डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबियत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। कई स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2019 में रिलीज हुई महर्षि फिल्म के बारे में। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे हिंदी डब में देखने को मिलेगा, इसकी जानकारी भी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर इस मूवी की बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। या दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस मूवी ने साल 2019 में कितनी कमाई किया था और दोस्तों ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था, इसकी जानकारी भी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी महर्षि फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात करते हैं महर्षि फिल्म के बारे में। इसे 2019 में रिलीज किया गया था। दोस्तों महर्षि फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामसी पेड्डिपल्ली धारा ने निर्देशित की गई है और वेंकटेश क्रिएशंस और विजयंती मूवीज और PVP सिनेमा द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया था। दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू के साथ इस फिल्म में पूजा हेगड़े अभिनय करती हुई दिखाई दी थी। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में अल्लारी नरेश भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इस फिल्म की संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो देवी श्री प्रसाद द्वारा फिल्म के गाने को तैयार किया गया था। और दोस्तों ये मूवी 9 मई 2019 को रिलीज हुई थी। साथ ही साथ महर्षि फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा मिली रिलीज होने के बाद। हालांकि दोस्तों फिल्म के कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन सीक्वेंस और फिल्म की कथानक, फिल्म के भावनात्मक भागफल और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा भी किया गया था रिलीज होने के बाद। लेकिन दोस्तों ये फिल्म रिलीज होने से पहले इसकी भविष्यवाणी भी की गई थी, इसके बारे में आप लोग को नहीं पता होगा। और दोस्तों ये बताया गया था कि ये फिल्म लंबी कथा के लिए आलोचना की गई थी। दुनिया भर में ये मूवी 175 करोड़ से लेकर 200 करोड़ से अधिक की कमाई किया। और दोस्तों महर्षि मूवी 2019 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है। और आपको बता दें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक में ये मूवी शुमार है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी हिट होने के बाद 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में इस फिल्म को दोस्तों संपूर्ण मनोरंजन करने वाली और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार इस मूवी को दिया गया था। यहाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना। आइए दोस्तों अब बात करते हैं महर्षि फिल्म की कहानी के बारे में। बहुत सारे लोग इस फिल्म की कहानी को देखने के बाद भी फिल्म को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस फिल्म की कहानी क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों बता दें ऋषि कुमार को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित की गई एक जो है समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है। वो अपनी माँ को भारत से अपने साथ रहने के लिए लेकर आए हैं। प्रिया उनके सहयोगी ने उन्हें आश्चर्य चर्चित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन किया है उनके बताए बिना। दोस्तों इस पार्टी को चुपके से फीड किया गया है जिसमें उनके करीबी बचपन के दोस्त कन्ना जो कुछ वर्षों से उनसे नहीं मिले थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त जो शामिल होंगे उस पार्टी के अंदर। लेकिन दोस्तों पूरे 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद में एक मध्यम वर्गीय एकल जो है परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता सत्यनारायण एक निजी निगम में एक क्लर्क के रूप में काम किया करते थे। परिणाम स्वरूप एक दिन यह हुआ कि ऋण उन्होंने बहुत ज्यादा ले लिया बैंक से, जिसकी विफलता के कारण ऋषि के साथ जो है अच्छे संबंध नहीं हुआ करते थे। दोस्तों इन सभी चीजों से ऋषि परेशान हो चुके थे। लेकिन ऋषि ने विजाग में स्थित एक जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IT में अपना स्नातक कोर्स पूरा करने के लिए प्रवेश प्राप्त किया। लेकिन दोस्तों इसीलिए उन्हें जो स्थानांतरित करना पड़ा क्योंकि ऋषि, उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सभी जो है सहपाठी होने के नाते एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। रवि एक गरीब जो है किसान का बेटा तो है जिसकी अपने बेटे के बारे में मासूम उम्मीदों ने प्रेरित किया और वास्तव में उसे अमेरिका में अच्छी जो है कमाई करने का लक्ष्य रखने के लिए दबाव भी डाला गया था उनके ऊपर। लेकिन दोस्तों उनमें से एक जो है सहपाठी अजय ऋषि से बहुत ज्यादा दुश्मनी करता था क्योंकि बाद में पढ़ाई में उससे आगे निकल गया था, जबकि पूजा ने ऋषि को उसके जो है विशिष्ट भारतीय संयुक्त परिवार से परिचित करना और इसके अलावा जो है प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने भावनाओं को व्यक्तित किया था। दोस्तों अपने भावनाओं को व्यक्तित किया। रवि पहले जो है सेमेस्टर की परीक्षा में फेल तो हो गया, जबकि दोस्तों दूसरी तरफ ऋषि ने इसमें पहली रैंक हासिल कर ली। पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं में 2 बैंक के लोन मिलने पर रवि उदास हो गया, लेकिन ऋषि ने उसे खुद पर जो है भरोसा करने और अपने पिता से प्रेरित होने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन दोस्तों इससे निराश नहीं होना पड़ा क्योंकि कैंपस जो है प्लेसमेंट के दौरान रवि ने अपने पिता जो है प्रेमिका पल्लवी और बाद के पिता रवि के पिता के एक अच्छे दोस्त को जो है संपन्न और प्रश्न करते हुए एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों इधर पूजा ने अमेरिका में ऋषि के साथ रहने के लिए इन्फोसिस में एक नौकरी को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपने जो है AI जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के विचार के लिए ओरिजिन को एक प्रस्ताव दिया था, जिसे जो है स्वीकार कर लिया गया था। अब दोस्तों इधर आपको बता दें, हालांकि ऋषि ने सुझाव दिया था कि उन्हें और पूजा को अपने रिश्ते को समाप्त कर देना चाहिए था, क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनके करियर के लिए एक बाधा बन जाएगी और कहा कि वह उनके दिल में एक बोझ नहीं बनना चाहता है। ये सुनकर कि वह चली जाती है। जब रवि ने ऋषि को पूजा से नाता तोड़ने के लिए पकड़ने की कोशिश की तो लेकिन इससे उनके बीच जो है अनबन हो गया। जैसे ही अंतिम जो है सेमेस्टर की परीक्षाएं आई, वहाँ पे नतीजतन आई कि ऋषि पर जो है इनकी प्रश्न पत्र चुराने का आरोप लगाया गया, जो वास्तव में अजय धारा उसे जो परीक्षा देने से रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। दोस्तों एक साजिश रचा गया था। हालांकि एक जो है सुराग मिलने पर जिसने जो है ऋषि के खिलाफ आरोप को गलत साबित कर दिया, पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अपनी परीक्षाओं को पूरा करने के बाद ऋषि न्यूयॉर्क के शहर चले गए और रैंकों के माध्यम से मूल में एक अग्रणी जो है कार्यकारी बन गए। अपनी परियोजना के बारे में अपनी जो प्रस्तुति के दौरान ऋषि को पता चला कि उनके पिता उनकी बीमारी के कारण नींद में चल बसे और वह भारत लौट आया, केवल ये महसूस करने के लिए कि उनके पिता उन्हें किसी भी चीज से अधिक प्यार करते थे और उन्हें याद करते थे। क्योंकि दोस्तों ऋषि जो है मुश्किल से ही उनके साथ बात करते थे, पिता से दिल से बात न कर पाने के कारण जो ऋषि ने काफी ज्यादा अपने अंदर जो घबराहट और व्याकुलता को एक साथ महसूस किया। बाद में वर्तमान समय में ऋषि ने रवि के बारे में चंद्रशेखर से पूछताछ की। इसके बाद पूर्व ने खुलासा किया कि रवि को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उसने ऋषि के खिलाफ आरोप लगाने का दोष अपने ऊपर लिया था और दोस्तों जिससे उसके पिता को आत्महत्या करनी पड़ी थी। तबाह और बर्बाद हो गया। यहाँ पे अपनी माँ द्वारा सलाह दिए जाने पर ऋषि एक लंबी अवधि की छुट्टी लेता है और रवि को USA ले जाने के लिए उसके और कन्या के साथ भारत के लिए उड़ान भरता है। वह अपने पैतृक के गांव रामावर में रवि से मिलने आता है। अकेले एक पाइपलाइन परिवहन यानी कि एक पाइपलाइन जो है परिवहन परियोजना के खिलाफ विरोध करता है रवि। लेकिन दोस्तों रामावरम गांव के विद्वांस की आवश्यकता होती है, जबकि पल्लवी के पिता गांव के प्रतिनिधि हो गए हैं। गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं लेकिन असहाय हैं। गांव वालों को छोड़ी जाने वाली जो है जमीन के लिए उचित मूल्य के लिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रवि कभी नहीं चाहता है कि परियोजना यहां पे खड़ी हो, लेकिन दोस्तों ऋषि को ये महसूस हुआ कि रवि कभी भी गांव छोड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन उनके विरोध के लिए कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा था। तब ऋषि ये महसूस करते हुए कि रवि कभी भी उनके साथ नहीं जाएगा, वह उसे वह दिलाने का फैसला करता है जो वह चाहता है। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने जाता है, जहां पे जो दावा करते हैं कि वह सबसे प्रभावशाली व्यवसायियों में से एक के रूप में असहाय है। विवेक मित्तल परियोजना को संभालते हुए नजर आते हैं। उसके बाद में इधर दोस्तों ऋषि विवेक से मिलने आते हैं और उनसे रामावरम को बाहर करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन उन्होंने उपकृत करने से इनकार कर दिया। ऋषि अपने कार्यक्रम का प्रबंध करने के लिए रामावरम गांव में एक कार्यालय स्थापित करने के लिए मीडिया को खबर देता और मीडिया के ध्यान को आकर्षित करते हैं और एक प्रतिष्ठित यानी कि वीडियो गेमिंग कंपनी में एक टीम लीडर पूजा को ऋषि से मिलने और सहयोग के लिए बातचीत करने के लिए भेजा जाता है। एक साथ दोस्तों रामावरम भेजे जाते हैं गांव में, लेकिन बहाने बनाकर ऋषि उससे पूछताछ और उसका सहयोगी जो है रामावरम में रहते हैं और उसके वीडियो गेम के विचार पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों इससे ये पता चला और उन दोनों में सुलह हो गया। सुलह करने का इरादा दोनों रखते हैं, लेकिन पूजा का ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं है क्योंकि उसका दिल पहले से ही टूट गया था और मजबूरी में वही कहती है। जब जो है ऋषि मीडिया को बताता है कि उसने अपने जो है दोस्त के लिए अपना ऑफिस बनाया, तो मीडिया रवि से ऋषि के साथ जाने से इनकार करने के वजह पूछे जाते हैं और रवि ने अपने पैतृक गांव के प्रति अपने जो है लगाव को प्रकट किया और कई अन्य जो है ग्रामीणों को राष्ट्रव्यापी ध्यान आकर्षित करने वाले विरोध में शामिल कर लिया था। इन विरोधों में शामिल किया और पहल करने के लिए प्रेरित किया गया था। पल्लवी के पिता जो अपने पिता की मौत के लिए रवि को दोषी मानते हैं, अब जो है पल्लवी के पास उनके रिश्ते के खिलाफ कोई भी चीज़ नहीं बची हुई है। इस बारे में जानने पर ऋषि ने पल्लवी के पिता से बात की और उन्हें रवि के बलिदान के बारे में अवगत कराया, जिससे पल्लवी के पिता ने रवि के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करने का फैसला किया। इसके जो है एक यानी कि कृत्या के कारण पूजा ऋषि के साथ सुलह करने का फैसला तो कर लेती है, जबकि कई अन्य जो है गांव विरोधी में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों इधर विवेक विरोध के कारण जो है परेशानी को भांपते हुए रामावरम गांव पहुंचता है और वहां पे अहंकार से बाहर होकर प्रदर्शनकारियों के बीच लोगों के एक समूह को आकर्षित करने के लिए एक उच्च मुआवजे का हवाला देने का फैसला करता है। नतीजतन दोस्तों रवि को एक पड़ोसी गाँव के मुखिया के गुंडों द्वारा चाकू मार दिया जाता है, जिसे जो है विवेक द्वारा रिश्वत दी जाती है, लेकिन ऋषि उसे जो है हत्या होने से बचा लेता है और उसे जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विवेक एक स्वच्छता कार में ऋषि पर उनसे जो है परियोजना में हिस्सा मांगने का फैसला तो करता है और ये दावा करता है कि उनकी अस्वीकृति के परिणाम स्वरूप रवि का उपयोग करना शुरू कर दिया गया। वह ये सवाल करता है कि इतने साल ऋषि कहाँ थे और विरोध करने पर रवि को क्यों याद किया जाता है। पूजा भी ऋषि के इरादों पर शक करती है और उसे रवि की स्थिति के लिए दोषी ठहराती है और बताती है कि वह जो है थोड़ा भी नहीं बदला है, जिससे जो है उसका दिल सबसे ज़्यादा टूटा और उसने जो है गांव छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उनकी मां ने ऋषि को यह बताकर जो है प्रोत्साहित किया कि सत्यनारायण असफल नहीं थे, उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की और इसके लिए उन्होंने चयनित हुए थे। इस चीज़ को लेकर इसके बाद दोस्तों अपनी यूपीएससी परीक्षा जो है उत्तीर्ण की और स्वच्छता कार्य के दौरान उन्होंने कहा था, लेकिन दबे हुए यानी कि कुतले और किसानों के पक्ष में विरोध करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों गिरफ्तार होने के बाद अयोग्य जो है घोषित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी यानी कि पछतावा नहीं किया और इसे जो है असफल माना क्योंकि ये एक अच्छे कारण के लिए थे। ऋषि ने जो काम शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए वह रामावरम वापस चला जाता है और एक किसान उसे जो खेती करने के लिए प्रेरित करता है। ऋषि विवेक की तुलना में अधिक जो है कीमत का हवाला देते हुए ऋषि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने वाले किसानों को जमीन भी यानी कि पट्टे पर देता है। बाद में एक प्रेस मीट में ऋषि ने दिल दहला देने वाला भाषण दिया, जिससे सभी का ध्यान उसके तरफ चला जाता है। दोस्तों इस बयान में उन्होंने बताया कि कैसे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और कई लोग जो इससे परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। किसान अपनी ज़मीन के मूल्य का एहसास करते हैं और बता दें पाइपलाइन परियोजना के साथ जाने से इनकार करते हैं। पूजा जो है उनके भाषण को देखकर जो है ऋषि के साथ सुलह कर लिया और अजय जिसे जो है अब अपनी गलती का एहसास हो गया और वह एक प्रमुख बैंक अधिकारी बन गया है। परियोजना शुरू करने और भूमि अधिग्रहण करने के पीछे जो है कर्ज से बचने के लिए विवेक के धोखेधारी का इरादों को उजागर किया गया और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि परियोजना को रोक दिया गया है और विवेक को गिरफ्तार कर लिया जाता है फिल्म के अंत में। इधर दोस्तों ऋषि के लिए अपनी नौकरी पर वापस अमेरिका जाने का समय आ गया है, लेकिन वह नहीं जाने का फैसला करता और यह महसूस करते हुए कि उसकी खुशी गांव में है और वह कृषि में जाने का फैसला कर लेता है। और दोस्तों ये मूवी की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों महर्षि फिल्म की कहानी ये है। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो आप इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो, आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें साल 2014 में युवेटू फिल्म रिलीज होने के बाद सफलतापूर्वक जो है निर्माण करने के बाद दिलराजू ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ काम करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों 2018 की शुरुआत में वंशी पेड्डिपाल्ली के साथ अपने जो चौथे सहयोग की घोषणा की। 9 अगस्त 2018 को महर्षि शीर्षक की पुष्टि होने से पहले फिल्म को संभावित जो है शीर्ष SSMB 25 के तहत लॉन्च किया गया था पहले। लेकिन दोस्तों फिल्म के पटकथा लेखन के बारे में फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने बात करते हुए वामसी सर से ये कहा था कि फिल्म की पटकथा लिखते समय सबसे कठिन जो है भागों में से एक नायक की यात्रा वाली भाग थी और हम बिल्कुल जो है स्पष्ट थे कि हम एक कहानी नहीं बताने जा रहे थे और यहाँ पर कहानी के बारे में ये भी अर्थ बायोपिक की तरह कहा गया था। दोस्तों शुरू से ही एक नायक की तरह चरित्र का इलाज नहीं करना चाहते थे। ये एक ऐसे चरित्र के बारे में है जो अंत में नायक बन जाता है। लेकिन दोस्तों लंबे समय तक फिल्म की कहानी पर काम करने के बाद फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्मांकन के बारे में एक संक्षिप्त में ये भी कहा गया था और फिल्म के शेड्यूल में हैदराबाद, गोवा में और कई जगहों पर मूवी के शेड्यूल तैयार किए गए थे। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस फिल्म को पहले रवाना किया गया। दूसरे शेड्यूल में फिल्म का प्रमुख हिस्सा जो है न्यूयॉर्क में शूट किया गया। यहाँ पे यूएस शेड्यूल में देरी के बाद इसे एक क्षेत्र में फिल्मांकन नवंबर 2018 में पूरा कर लिया गया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे जल्द ही टीम ने हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग फिर से शुरू कर दी, जहाँ एक काल्पनिक गाँव का सेट बनाया गया था। वामजी सर ने शुरू में एक वास्तविक गांव में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई थी, लेकिन दोस्तों बाद में इसे एक सेट में शूट करने का ही फैसला किया गया क्योंकि दोस्तों उन्होंने महसूस किया था कि वास्तविक स्थान पर भीड़ को नियंत्रित करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इस फिल्म को वास्तविक गाँव में शूट नहीं किया गया और दोस्तों ये बताया गया था कि सेट का निर्माण 8 करोड़ की लागत से किया गया। शेड्यूल दिसंबर 2018 के तीसरे हफ्ता तक चला। टीम ने तब जो है संक्षिप्त ब्रेक लिया जिसमें जो है महेश बाबू और उनका परिवार एक छोटी सी छुट्टी के लिए रवाना हुए थे। जनवरी 2019 के दूसरे हफ्ता में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और आपको बता दें शेड्यूल जो है पोल्लाची तमिलनाडु में हुआ था, जहां पे उसी महीने में पूरा किया गया था शूटिंग। अगले शेड्यूल के बारे में हम बात करें तो फरवरी 2019 में हुआ था। फरवरी में श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने ये घोषणा किया 2 गानों को छोड़कर फिल्मांकन 15 मार्च 2019 तक पूरा हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोस्तों 6 मार्च 2019 को दिलराजू ने घोषणा किया था कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया जाएगा। फिल्म को 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। महर्षि को 8 मार्च 2019 को भारत में आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। यहाँ फैंस बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस प्रकार दोस्तों ये फिल्म उस समय की पहली तेलुगु फिल्म बन गई जिसकी बड़ी स्क्रीन गिनती हुई थी। फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले 8 मार्च 2019 को आयकर विभाग के कुछ अधिकारी ने हैदराबाद में दिलराजू के कार्यालय और उनके घर पर छापा मारा। फिल्म को 2020 में तमिल वर्जन में रिलीज किया गया, जहाँ पे कन्नड़ बीरा महर्षि के रूप में मलयालम में भी इस फिल्म को ड्रॉप किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के पूर्व रिलीज व्यवसाय जिसमें जो है थिएटर, विदेशी उपग्रह, डिजिटल और संगीत और डबिंग अधिकार शामिल था। 150 करोड़ में बेचा गया था। फिल्म के विश्वव्यापी नाट्य अधिकार 100 करोड़ में बेचा गया था। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों महर्षि फिल्म को आलोचकों से काफी शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिला। रिलीज होने के बाद फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं देखने को मिला है। द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, महर्षि के दिल में एक ऐसी कहानी है जिसे एक सामूहिक सामाजिक नाटक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की परिवर्तनकारी यात्रा का भी इसमें एक पता लगाया गया। लेकिन ये क्या हो सकता था, इसके बीच एक बड़ा अंतर है और ये क्या है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि इसे केवल जो है महेश बाबू और अल्लारी नरेश के प्रदर्शन के लिए नहीं देखे बल्कि कहानी के लिए भी इस फिल्म को देखे। अगर आपको इसके साथ आने वाली सभी घंटियों और सीटियों पर ध्यान नहीं हो सकता है तो इस फिल्म की कहानी आपको अच्छी लगेगी। इसके कारण हम आपको बतला सकते हैं क्योंकि कहानी के अंदर आपको एक शानदार सीन देखने को मिलता है। एक अमेरिका में बड़ी नौकरी होने के बावजूद भी फिल्म का हीरो गांव में रहने की फैसला करता है और किसानों की मदद करने की कोशिश करता है। ये चीज़ इस फिल्म में काफ़ी मायने रखती है। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखते हुए आपको बता दें, कार्तिक कुमार ने कहा था, महर्षि बड़े विचार वाली एक समस्याग्रस्त फिल्म है, लेकिन यह दिल को झकझोर देता है। आपको बता दें, खेती के उपज कथानों को बाहर निकाले और महर्षि एक थकाऊ घड़ी होती है इस चीज़ में, क्योंकि इसमें ऋषि सिर्फ अपने सांस चुप नहीं होता और आपको बता दें सफलता पर उपदेश भी देता है। सीफी ने इस फिल्म के वर्णन करते हुए वक्त ये कहा, अवधि की आलोचना की समीक्षक ने यह महसूस किया था कि फिल्म की कहानी जो है पूर्वानुमेय है और इसके अलावा जो है मौलिकता का कोई भी अंश नहीं है, उन्होंने कहा। दूसरे भाग के बारे में हम बात करें तो पूरी तरह से असंतुष्ट है और आपको बता दें भावनात्मक कोर और विश्वसनीय भी है। साथ ही साथ दोस्तों, साक्षी पोस्ट ने कहा था कि बाबू और नरेश का अभिनय, प्रदर्शन और निर्देशन जो है फिल्म की स्वच्छता कार है, क्योंकि जबकि जो है देवी का साउंड और खराब पटकथा फिल्म की कमियां को काफी ज्यादा अच्छी तरह से महसूस करवाता है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होता, क्योंकि दोस्तों न्यूज 18 ने कहा, महर्षि मलबे और लक्ष्यहीन कारण के बीच में आराम और खुशी की भावना का अनुभव भी करता है। इंडिया टुडे ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार दिया और कहा, महर्षि की कई जो उप भूखंडों के बीच एक भावपूर्ण कहानी है। अगर केवल ये कुरकुरा और बिंदु तक जाता था तो यदि केवल महेश बाबू की महर्षि अपनी जो है मातृभूमि में वापस आने वाले एक व्यवसायी जो है टाइकून के बारे में है, उनका यहाँ एक बड़ा उद्देश्य है। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने सिनेमेटोग्राफी, मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन और फिल्म स्कोर की प्रशंसा करते हुए कहा कि महर्षि एक जो है सुविचारित नाटक वाली मूवी है और दोस्तों इसमें कुछ जो है खूबसूरती से लिखे गए दृश्य है। हालांकि बहुत सी चीज़ों पर जो है वापस रखा गया है जो वह इतने लंबे समय तक जो है कहना चाहते हैं। यह आपको कई बार जो है बेचैन करता है। जहां डेक्कन क्रॉनिकल के एक आलोचक ने भी सिनेमेटोग्राफी, प्रमुख अभिनेताओं के प्रदर्शन और फिल्म के स्कोर की प्रशंसा की और 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी। इसके बारे में कहा, द इंडियन एक्सप्रेस के गब्बेटा जहाँ पे रंजीत कुमार ने अंतिम फैसला देते हुए फिल्म को वीर को खुश करने वाला बताया। वमशी पेड्डिपल्ली भावनात्मक रूप से गहन विषय को अच्छी तरह से संभालते ये भी कहा, लेकिन दोस्तों निर्देशक महर्षि मूवी के रन टाइम पर अधिक जो है ध्यान भी दिया गया था। यहाँ फैंस आपने बिल्कुल सही सुना। आइए दोस्तों, महर्षि मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओपनिंग डे पर महर्षि फिल्म ने 59 करोड़ से अधिक की संग्रह किया। भारत के तेलुगु भाषी राज्यों में इसने 33 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और वितरकों का शेयर संग्रह किया 24 करोड़ में। अपने शुरुआती दिन में फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 5,11,000 से अधिक की कमाई किया डॉलर में, जो इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो 3 करोड़ से अधिक हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया फिल्म ने 1 लाख से अधिक की कमाई किया था डॉलर में और दोस्तों चेन्नई में 23 लाख से अधिक की कमाई की। अपने रिलीज के दूसरे दिन फिल्म ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 32 करोड़ से अधिक की कमाई किया। 3 दिनों में फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पे 11 लाख से अधिक की कमाई कर लिया था। इसी के साथ दोस्तों पहले विस्तारित हफ्ता में गुरुवार को रिलीज में फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक की कमाई किया और 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। अपने पहले हफ्ते के अंत तक फिल्म ने बेंगलुरु में 3 करोड़ से अधिक की वितरकों का शेयर जो है अर्जित कर लिया था, जहां पे 5वें दिन इसने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। इस क्षेत्र में कुल मिला के 75 करोड़ सकल संग्रह शामिल है, जिसकी वजह से 53 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। अपने रिलीज के छठे दिन इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.5 लाख से अधिक की कमाई की थी, जिससे ये बाबू के करियर में इस भूमिका को पार करने वाली छठी फिल्म बन गई थी। 7 दिनों में इसने संयुक्त अरब इमारात के बॉक्स ऑफिस पे 8 करोड़ से अधिक की कमाई की। 11 दिनों में फिल्म ने तेलुगु भाषी राज्यों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 72 करोड़ से अधिक की कमाई की। थिएटर में अपने प्रदर्शन के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर में 187 करोड़ से अधिक की कमाई किया और एक जगह पे भी बताया गया है कि 200 करोड़ से अधिक की कमाई इस फिल्म ने किया है। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है महर्षि फिल्म को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू के साथ इस फिल्म में पूजा हेगड़े अभिनय करती हुई दिखाई दी थी। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में अल्लारी नरेश भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इस फिल्म की संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो देवी श्री प्रसाद द्वारा फिल्म के गाने को तैयार किया गया था। और दोस्तों ये मूवी 9 मई 2019 को रिलीज हुई थी। साथ ही साथ महर्षि फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा मिले रिलीज होने के बाद। हालांकि दोस्तों फिल्म के कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन सीक्वेंस और फिल्म की कथानक, फिल्म के भावनात्मक भागफल और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा भी किया गया था रिलीज होने के बाद। लेकिन दोस्तों ये फिल्म रिलीज होने से पहले इसकी भविष्यवाणी भी की गई थी, इसके बारे में आप लोग को नहीं पता होगा। और दोस्तों ये बताया गया था कि ये फिल्म लंबी कथा के लिए आलोचना की गई थी। दुनिया भर में ये मूवी 175 करोड़ से लेकर 200 करोड़ से अधिक की कमाई किया। और दोस्तों महर्षि मूवी 2019 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है। और आपको बता दें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक में ये मूवी शुमार है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी हिट होने के बाद 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में इस फिल्म को दोस्तों संपूर्ण मनोरंजन करने वाली और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार इस मूवी को दिया गया था। यहाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना। आइए दोस्तों अब बात करते हैं महर्षि फिल्म की कहानी के बारे में। बहुत सारे लोग इस फिल्म की कहानी को देखने के बाद भी फिल्म को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस फिल्म की कहानी क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों बता दें ऋषि कुमार को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित की गई एक जो है समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है। वो अपनी माँ को भारत से अपने साथ रहने के लिए लेकर आए हैं। फिर यह उनके सहयोगी ने उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन किया है उनके बताए बिना। दोस्तों इस पार्टी को चुपके से फीड किया गया है जिसमें उनके करीबी बचपन के दोस्त कन्ना जो कुछ वर्षों से उनसे नहीं मिले थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त जो शामिल होंगे उस पार्टी के अंदर। लेकिन दोस्तों पूरे 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद में एक मध्यम वर्गीय एकल जो है परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता सत्यनारायण एक निजी निगम में एक क्लर्क के रूप में काम किया करते थे। परिणाम स्वरूप एक दिन ये हुआ कि ऋण उन्होंने बहुत ज्यादा ले लिया बैंक से, जिसकी विफलता के कारण ऋषि के साथ जो है अच्छे संबंध नहीं हुआ करते थे। दोस्तों इन सभी चीजों से ऋषि परेशान हो चुके थे। लेकिन ऋषि ने विजाग में स्थित एक जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय आईटी में अपना स्नातक कोर्स पूरा करने के लिए प्रवेश प्राप्त किया। लेकिन दोस्तों इसीलिए उन्हें जो स्थानांतरित करना पड़ा क्योंकि ऋषि, उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सभी जो है सहपाठी होने के नाते एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। रवि एक गरीब जो है किसान का बेटा तो है जिसकी अपने बेटे के बारे में मासूम उम्मीदों ने प्रेरित किया और वास्तव में उसे अमेरिका में अच्छी जो है कमाई करने का लक्ष्य रखने के लिए दबाव भी डाला गया था उनके ऊपर। लेकिन दोस्तों उनमें से एक जो है सहपाठी अजय ऋषि से बहुत ज़्यादा दुश्मनी करता था क्योंकि बाद में पढ़ाई में उससे आगे निकल गया था। जबकि पूजा ने ऋषि को उसके जो है विशिष्ट भारतीय संयुक्त परिवार से परिचित करना और इसके अलावा जो है प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने भावनाओं को व्यक्तित किया था। दोस्तों अपने भावनाओं को व्यक्तित किया। रवि पहले जो है सेमेस्टर की परीक्षा में फेल तो हो गया, जबकि दोस्तों दूसरी तरफ ऋषि ने इसमें पहली रैंक हासिल कर ली। पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं में 2 बैंक के लोन मिलने पर रवि उदास हो गया। लेकिन ऋषि ने उसे खुद पर जो है भरोसा करने और अपने पिता से प्रेरित होने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन दोस्तों इससे निराश नहीं होना पड़ा क्योंकि कैंपस जो है प्लेसमेंट के दौरान रवि ने अपने पिता जो है प्रेमिका पल्लवी और बाद के पिता रवि के पिता के एक अच्छे दोस्त को जो है संपन्न और प्रश्न करते हुए एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों इधर पूजा ने अमेरिका में ऋषि के साथ रहने के लिए इन्फोसिस में एक नौकरी को स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्होंने अपने जो है AI जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के विचार के लिए ओरिजिन को एक प्रस्ताव दिया था जिसे जो है स्वीकार कर लिया गया था। अब दोस्तों इधर आपको बता दें हालांकि ऋषि ने सुझाव दिया था कि उन्हें और पूजा को अपने रिश्ते को समाप्त कर देना चाहिए था क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनके करियर के लिए एक बाधा बन जाएगी और कहा कि वह उनके दिल में एक बोझ नहीं बनना चाहता है। ये सुनकर कि वह चली जाती है। जब रवि ने ऋषि को पूजा से नाता तोड़ने के लिए पकड़ने की कोशिश की तो लेकिन इससे उनके बीच जो है अनबन हो गया। जैसे ही अंतिम जो है सेमेस्टर की परीक्षाएं आई वहाँ पे नतीजतन आई की ऋषि पर जो है कि प्रश्न पत्र चुराने का आरोप लगाया गया जो वास्तव में अजय धारा उसे जो है परीक्षा देने से रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। दोस्तों एक साजिश रचा गया था। हालांकि एक जो है सुराग मिलने पर जिसने जो है ऋषि के खिलाफ आरोप को गलत साबित कर दिया। पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अपनी परीक्षाओं को पूरा करने के बाद ऋषि न्यूयॉर्क के शहर चले गए और रैंकों के माध्यम से मूल में एक अग्रणी जो है कार्यकारी बन गए। अपनी परियोजना के बारे में अपनी जो प्रस्तुति के दौरान ऋषि को पता चला कि उनके पिता उनकी बीमारी के कारण नींद में चल बसे और वह भारत लौट आया केवल ये महसूस करने के लिए कि उनके पिता उन्हें किसी भी चीज से अधिक प्यार करते थे और उन्हें याद करते थे। क्योंकि दोस्तों ऋषि जो है मुश्किल से ही उनके साथ बात करते थे। पिता से दिल से बात न कर पाने के कारण जो ऋषि ने काफी ज्यादा अपने अंदर जो घबराहट और व्याकुलता को एक साथ महसूस किया। बाद में वर्तमान समय में ऋषि ने रवि के बारे में चंद्रशेखर से पूछताछ की। इसके बाद पूर्व ने खुलासा किया कि रवि को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उसने ऋषि के खिलाफ आरोप लगाने का दोष अपने ऊपर लिया था और दोस्तों जिससे उसके पिता को आत्महत्या करनी पड़ी थी। तबाह और बर्बाद हो गया। यहाँ पे अपनी माँ द्वारा सलाह दिए जाने पर ऋषि एक लंबी अवधि की छुट्टी लेता है और रवि को यूएसए ले जाने के लिए उसके और कन्या के साथ भारत के लिए उड़ान भरता है। वह अपने पैतृक के गांव रामावर में रवि से मिलने आता है। अकेले एक पाइपलाइन परिवहन यानी कि एक पाइपलाइन जो है परिवहन परियोजना के खिलाफ विरोध करता है रवि। लेकिन दोस्तों रामावरम गांव के विध्वंस की आवश्यकता होती है जबकि पल्लवी के पिता गांव के प्रतिनिधि हो गए हैं। गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं लेकिन असहाय हैं। गांव वालों को छोड़ी जाने वाली जो है जमीन के लिए उचित मूल्य के लिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रवि कभी नहीं चाहता है कि परियोजना यहां पे खड़ी हो लेकिन दोस्तों ऋषि को ये महसूस हुआ कि रवि कभी भी गांव छोड़ना नहीं चाहेगा लेकिन उनके विरोध के लिए कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा था। तब ऋषि ये महसूस करते हुए कि रवि कभी भी उनके साथ नहीं जाएगा वह उसे वह दिलाने का फैसला करता है जो वह चाहता है। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने जाता है जहां पे जो दावा करते हैं कि वह सबसे प्रभावशाली व्यवसायियों में से एक के रूप में असहाय है। विवेक मित्तल परियोजना को संभालते हुए नजर आते हैं। उसके बाद में इधर दोस्तों ऋषि विवेक से मिलने आते हैं और उनसे रामावरम को बाहर करने का अनुरोध करते हैं लेकिन उन्होंने उपकृत करने से इनकार कर दिया। ऋषि अपने कार्यक्रम का प्रबंध करने के लिए रामावरम गांव में एक कार्यालय स्थापित करने की मीडिया को बताता है। स्थापित करने के लिए मीडिया को खबर देता और मीडिया के ध्यान को आकर्षित करते हैं और एक प्रतिष्ठित यानी कि वीडियो गेमिंग कंपनी में एक टीम लीडर पूजा को ऋषि से मिलने और सहयोग के लिए बातचीत करने के लिए भेजा जाता है। एक साथ दोस्तों रामावरम भेजे जाते हैं गांव में लेकिन बहाने बनाकर ऋषि उससे पूछताछ और उसका सहयोगी जो है रामावरम में रहते हैं और उसके वीडियो गेम के विचार पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों इससे ये पता चला और उन दोनों में सुलह हो गया। सुलह करने का इरादा दोनों रखते हैं लेकिन पूजा का ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं है क्योंकि उसका दिल पहले से ही टूट गया था और मजबूरी में वही कहती है। जब जो है ऋषि मीडिया को बताता है कि उसने अपने जो है दोस्त के लिए अपना ऑफिस बनाया तो मीडिया रवि से ऋषि के साथ जाने से इनकार करने के वजह पूछे जाते हैं और रवि ने अपने पैतृक गांव के प्रति अपने जो है लगाव को प्रकट किया और कई अन्य जो है ग्रामीणों को राष्ट्रव्यापी ध्यान आकर्षित करने वाले विरोध में शामिल कर लिया था। इन विरोधों में शामिल किया और पहल करने के लिए प्रेरित किया गया था। पल्लवी के पिता जो अपने पिता की मौत के लिए रवि को दोषी मानते हैं अब जो है पल्लवी के पास उनके रिश्ते के खिलाफ कोई भी चीज़ नहीं बची हुई है। इस बारे में जानने पर ऋषि ने पल्लवी के पिता से बात की और उन्हें रवि के बलिदान के बारे में अवगत कराया जिससे पल्लवी के पिता ने रवि के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करने का फैसला किया। इसके जो है एक यानी कि कृत्या के कारण पूजा ऋषि के साथ सुलह करने का फैसला तो कर लेती है जबकि कई अन्य जो है गांव विरोधी में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों इधर विवेक विरोध के कारण जो है परेशानी को भांपते हुए रामावरम गांव पहुंचता है और वहां पे अहंकार से बाहर होकर प्रदर्शनकारियों के बीच लोगों के एक समूह को आकर्षित करने के लिए एक उच्च मुआवजे का हवाला देने का फैसला करता है। नतीजतन दोस्तों रवि को एक पड़ोसी गांव के मुखिया के गुंडों द्वारा चाकू मार दिया जाता है जिसे जो है विवेक द्वारा रिश्वत दी जाती है लेकिन ऋषि उसे जो है हत्या होने से बचा लेता है और उसे जो है अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विवेक एक स्वच्छता कार्य में ऋषि पर उनसे जो है परियोजना में हिस्सा मांगने का फैसला तो करता है और ये दावा करता है कि उनकी अस्वीकृति के परिणाम स्वरूप रवि का उपयोग करना शुरू कर दिया गया। वह ये सवाल करता है कि इतने साल ऋषि कहाँ थे और विरोध करने पर रवि को क्यों याद किया जाता है। पूजा भी ऋषि के इरादों पर शक करती है और उसे रवि की स्थिति के लिए दोषी ठहराती है और बताती है कि वह जो है थोड़ा भी नहीं बदला है, जिससे जो है उसका दिल सबसे ज़्यादा टूटा और उसने जो है गांव छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उनकी माँ ने ऋषि को यह बताकर जो है प्रोत्साहित किया कि सत्यनारायण असफल नहीं थे, उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की और इसके लिए उन्होंने चयनित हुए थे। इस चीज़ को लेकर इसके बाद दोस्तों अपनी यूपीएससी परीक्षा जो है उत्तीर्ण की और स्वच्छता कार्य के दौरान उन्होंने कहा था, लेकिन दबे हुए यानी कि कुचले और किसानों के पक्ष में विरोध करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों गिरफ्तार होने के बाद अयोग्य जो है घोषित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी यानी कि पछतावा नहीं किया और इसे जो है असफल माना क्योंकि ये एक अच्छे कारण के लिए थे। ऋषि ने जो काम शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए वह रमावरम वापस चला जाता है और एक किसान उसे जो खेती करने के लिए प्रेरित करता है। ऋषि विवेक की तुलना में अधिक जो है कीमत का हवाला देते हुए ऋषि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने वाले किसानों को जमीन भी यानी कि पट्टे पर देता है। बाद में एक प्रेस मीट में ऋषि ने दिल दहला देने वाला भाषण दिया, जिससे सभी का ध्यान उसके तरफ चला जाता है। दोस्तों इस बयान में उन्होंने बताया कि कैसे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और कई लोग जो इससे परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। किसान अपनी ज़मीन के मूल्य का एहसास करते हैं और बता दें पाइपलाइन परियोजना के साथ जाने से इनकार करते हैं। पूजा जो है उनके भाषण को देखकर जो है ऋषि के साथ सुलह कर लिया और अजय जिसे जो है अब अपनी गलती का एहसास हो गया और वह एक प्रमुख बैंक अधिकारी बन गया है। परियोजना शुरू करने और भूमि अधिग्रहण करने के पीछे जो है कर्ज से बचने के लिए विवेक के धोखेधारी का इरादों को उजागर किया गया और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि परियोजना को रोक दिया गया है और विवेक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिल्म के अंत में इधर दोस्तों ऋषि के लिए अपनी नौकरी पर वापस अमेरिका जाने का समय आ गया है, लेकिन वह नहीं जाने का फैसला करता है और यह महसूस करते हुए कि उसकी खुशी गांव में है और वह कृषि में जाने का फैसला कर लेता है। और दोस्तों ये मूवी की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों महर्षि फिल्म की कहानी ये है। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो आप इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें साल 2014 में युवेटू फिल्म रिलीज होने के बाद सफलतापूर्वक जो है निर्माण करने के बाद दिलराजू ने श्री वेंकटेश क्रिएशंस के साथ काम करने का फैसला किया, लेकिन दोस्तों 2018 की शुरुआत में वमशी पेड्डिपल्ली के साथ अपने जो चौथे सहयोग की घोषणा की। 9 अगस्त 2018 को महर्षि शीर्षक की पुष्टि होने से पहले फिल्म को संभावित जो है शीर्ष SSMB 25 के तहत लॉन्च किया गया था पहले, लेकिन दोस्तों फिल्म के पटकथा लेखन के बारे में फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने बात करते हुए वामसी सर से ये कहा था कि फिल्म की पटकथा लिखते समय सबसे कठिन जो है भागों में से एक नायक की यात्रा वाली भाग थी और हम बिल्कुल जो है स्पष्ट थे कि हम एक कहानी नहीं बताने जा रहे थे और यहाँ पर कहानी के बारे में ये भी अर्थ बायोपिक की तरह कहा गया था। दोस्तों शुरू से ही एक नायक की तरह चरित्र का इलाज नहीं करना चाहते थे। ये एक ऐसे चरित्र के बारे में है जो अंत में नायक बन जाता है। लेकिन दोस्तों लंबे समय तक फिल्म की कहानी पर काम करने के बाद फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्मांकन के बारे में एक संक्षिप्त में ये भी कहा गया था और फिल्म के शेड्यूल में हैदराबाद, गोवा में और कई जगहों पर मूवी के शेड्यूल तैयार किए गए थे। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस फिल्म को पहले रवाना किया गया। दूसरे शेड्यूल में फिल्म का प्रमुख हिस्सा जो है न्यूयॉर्क में शूट किया गया, जहाँ पे यूएस शेड्यूल में देरी के बाद इसे एक क्षेत्र में फिल्मांकन नवम्बर 2018 में पूरा कर लिया गया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे जल्द ही टीम ने हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग फिर से शुरू कर दी, जहां एक काल्पनिक गांव का सेट बनाया गया था। वामजी सर ने शुरू में एक वास्तविक गांव में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई थी, लेकिन दोस्तों बाद में इसे एक सेट में शूट करने का ही फैसला किया गया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने महसूस किया था कि वास्तविक स्थान पर भीड़ को नियंत्रित करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इस फिल्म को वास्तविक गाँव में शूट नहीं किया गया। और दोस्तों ये बताया गया था कि सेट का निर्माण 8 करोड़ की लागत से किया गया। शेड्यूल दिसंबर 2018 के तीसरे हफ्ता तक चला। टीम ने तब जो है संक्षिप्त ब्रेक लिया, जिसमें जो है महेश बाबू और उनका परिवार एक छोटी सी छुट्टी के लिए रवाना हुए थे। जनवरी 2019 के दूसरे हफ्ता में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और आपको बता दें शेड्यूल जो है पोल्लाची तमिलनाडु में हुआ था, जहां पे उसी महीने में पूरा किया गया था शूटिंग। अगले शेड्यूल के बारे में हम बात करें तो फरवरी 2019 में हुआ था। फरवरी में श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने ये घोषणा किया, 2 गानों को छोड़कर फिल्मांकन 15 मार्च 2019 तक पूरा हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोस्तों 6 मार्च 2019 को दिलराजू ने घोषणा किया था कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया जाएगा। फिल्म को 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। महर्षि को 8 मार्च 2019 को भारत में आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। यहाँ फैंस बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस प्रकार दोस्तों ये फिल्म उस समय की पहली तेलुगु फिल्म बन गई जिसकी बड़ी स्क्रीन गिनती हुई थी। फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले 8 मार्च 2019 को आयकर विभाग के कुछ अधिकारी ने हैदराबाद में दिलराजू के कार्यालय और उनके घर पर छापा मारा। फिल्म को 2020 में तमिल वर्जन में रिलीज किया गया, जहाँ पे कन्नड़ वीरा महर्षि के रूप में मलयालम में भी इस फिल्म को ड्रॉप किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के पूर्व रिलीज व्यवसाय, जिसमें जो है थिएटर, विदेशी उपग्रह, डिजिटल और संगीत और डबिंग अधिकार शामिल था, 150 करोड़ में बेचा गया था। फिल्म के विश्वव्यापी नाट्य अधिकार 100 करोड़ में बेचा गया था। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों महर्षि फिल्म को आलोचकों से काफी शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिला। रिलीज होने के बाद फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं देखने को मिला है। द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, महर्षि के दिल में एक ऐसी कहानी है जिसे एक सामूहिक सामाजिक नाटक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की परिवर्तनकारी यात्रा का भी इसमें एक पता लगाया गया, लेकिन ये क्या हो सकता था, इसके बीच एक बड़ा अंतर है और ये क्या है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के निश्चिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि इसे केवल जो है महेश बाबू और अल्लारी नरेश के प्रदर्शन के लिए नहीं देखे, बल्कि कहानी के लिए भी इस फिल्म को देखे। अगर आपको इसके साथ आने वाली सभी घंटियों और सीटियों पर ध्यान नहीं हो सकता है तो इस फिल्म की कहानी आपको अच्छी लगेगी, इसके कारण हम आपको बतला सकते हैं, क्योंकि कहानी के अंदर आपको एक शानदार सीन देखने को मिलता है। एक अमेरिका में बड़ी नौकरी होने के बावजूद भी फिल्म का हीरो गाँव में रहने की फैसला करता है और किसानों की मदद करने की कोशिश करता है। ये चीज़ इस फिल्म में काफ़ी मायने रखती है। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखते हुए आपको बता दें कार्तिक कुमार ने कहा था, महर्षि बड़े विचार वाली एक समस्या ग्रस्त फिल्म है, लेकिन यह दिल को झकझोर देता है। आपको बता दें खेती के उप जो है कथानों को बाहर निकाले और महर्षि एक थकाऊ घड़ी होती है इस चीज में, क्योंकि इसमें ऋषि सिर्फ अपने जो है सांस चुप नहीं होता और आपको बता दें सफलता पर उपदेश भी देता है। सीफी ने इस फिल्म के वर्णन करते हुए वक्त ये कहा, अवधि की आलोचना की समीक्षक ने यह महसूस किया था कि फिल्म की कहानी जो है पूर्वानुमेय है और इसके अलावा जो है मौलिकता का कोई भी अंश नहीं है, उन्होंने कहा। दूसरे भाग के बारे में हम बात करें तो पूरी तरह से असंतुष्ट है और आपको बता दें भावनात्मक कोर और विश्वसनीय भी है। साथ ही साथ दोस्तों साक्षी पोस्ट ने कहा था कि बाबू और नरेश का अभिनय, प्रदर्शन और निर्देशन जो है फिल्म की सशस्त्र कार है, क्योंकि जबकि जो है देवी का साउंड और खराब पटकथा फिल्म की कमियां को काफी ज्यादा अच्छी तरह से महसूस करवाता है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होता, क्योंकि दोस्तों News 18 ने कहा, महर्षि मलबे और लक्ष्यहीन कारण के बीच में आराम और खुशी की भावना का अनुभव भी करता है। इंडिया टुडे ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार दिया और कहा, महर्षि की कई जो है उप भूखंडों के बीच एक भावपूर्ण कहानी है। अगर केवल ये कुरकुरा और बिंदु तक जाता था तो यदि केवल महेश बाबू की महर्षि अपनी जो है मातृभूमि में वापस आने वाले एक व्यवसायी जो है टाइकूनिक के बारे में है, उनका यहाँ एक बड़ा उद्देश्य है। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने सिनेमेटोग्राफी, मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन और फिल्म स्कोर की प्रशंसा करते हुए कहा कि महर्षि एक जो है सुविचारित नाटक वाली मूवी है। और दोस्तों इसमें कुछ जो है खूबसूरती से लिखे गए दृश्य है। हालांकि बहुत सी चीज़ों पर जो है वापस रखा गया है जो वह इतने लंबे समय तक जो है कहना चाहते हैं। ये आपको कई बार जो है बेचैन करता है। जहां डेक्कन क्रॉनिकल के एक आलोचक ने भी सिनेमेटोग्राफी प्रमुख अभिनेताओं के प्रदर्शन और फिल्म के स्कोर की प्रशंसा की और 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी। इसके बारे में कहा दो इंडियन एक्सप्रेस के गब्बेटा, जहाँ पे रंजीत कुमार ने अंतिम फैसला देते हुए फिल्म को वीर को खुश करने वाला बताया। वमशी पेड्डिपल्ली भावनात्मक रूप से गहन विषय को अच्छी तरह से संभालते ये भी कहा। लेकिन दोस्तों निर्देशक महर्षि मूवी के रन टाइम पर अधिक जो है ध्यान भी दिया गया था। यहाँ फैंस आपने बिल्कुल सही सुना। आइए दोस्तों महर्षि मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओपनिंग डे पर महर्षि फिल्म ने 59 करोड़ से अधिक की संग्रह किया। भारत के तेलुगु भाषी राज्यों में इसने 33 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और वितरकों का शेयर संग्रह किया 24 करोड़ में। अपने शुरुआती दिन में फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 5,11,000 से अधिक की कमाई किया डॉलर में, जो इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो 3 करोड़ से अधिक हो जाती है। ऑस्ट्रेलियन फिल्म ने 1 लाख से अधिक की कमाई किया था डॉलर में और दोस्तों चेन्नई में 23 लाख से अधिक की कमाई की। अपने रिलीज के दूसरे दिन फिल्म ने आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 32 करोड़ से अधिक की कमाई किया। 3 दिनों में फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पे 11 लाख से अधिक की कमाई कर लिया था। इसी के साथ दोस्तों पहले विस्तारित हफ्ता में गुरुवार को रिलीज में फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक की कमाई किया और 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। अपने पहले हफ्ते के अंत तक फिल्म ने बेंगलुरु में 3 करोड़ से अधिक की वितरकों का शेयर जो है अर्जित कर लिया था, जहाँ पे 5वें दिन इसने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। इस क्षेत्र में कुल मिलाकर 75 करोड़ सकल संग्रह शामिल है, जिसकी वजह से 53 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। अपने रिलीज के 6ठे दिन इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.5 लाख से अधिक की कमाई की थी, जिससे ये बाबू के करियर में इस भूमिका को पार करने वाली 6ठीं फिल्म बन गई थी। 7 दिनों में इसने संयुक्त अरब इमारात के बॉक्स ऑफिस पे 8 करोड़ से अधिक की कमाई की। 11 दिनों में फिल्म ने तेलुगु भाषी राज्यों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 72 करोड़ से अधिक की कमाई की। थिएटर में अपने प्रदर्शन के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर में 187 करोड़ से अधिक की कमाई किया और एक जगह पे ये भी बताया गया है कि 200 करोड़ से अधिक की कमाई इस फिल्म ने किया है। जी हाँ फैंस आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है महर्षि फिल्म को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू के साथ इस फिल्म में पूजा हेगड़े अभिनय करती हुई दिखाई दी थी। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में अल्लारी नरेश भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इस फिल्म की संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो देवी श्री प्रसाद द्वारा फिल्म के गाने को तैयार किया गया था। और दोस्तों ये मूवी 9 मई 2019 को रिलीज हुई थी। साथ ही साथ महर्षि फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा मिले रिलीज होने के बाद। हालांकि दोस्तों फिल्म के कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन सीक्वेंस और फिल्म की कथानक, फिल्म के भावनात्मक भागफल और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा भी किया गया था रिलीज होने के बाद। लेकिन दोस्तों ये फिल्म रिलीज होने से पहले इसकी भविष्यवाणी भी की गई थी, इसके बारे में आप लोग को नहीं पता होगा। और दोस्तों ये बताया गया था कि ये फिल्म लंबी कथा के लिए आलोचना की गई थी। दुनिया भर में ये मूवी 175 करोड़ से लेकर 200 करोड़ से अधिक की कमाई किया। और दोस्तों महर्षि मूवी 2019 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है और आपको बता दें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक में ये मूवी शुमार है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी हिट होने के बाद 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में इस फिल्म को दोस्तों संपूर्ण मनोरंजन करने वाली और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार इस मूवी को दिया गया था। यहाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना। आइए दोस्तों अब बात करते हैं महर्षि फिल्म की कहानी के बारे में। बहुत सारे लोग इस फिल्म की कहानी को देखने के बाद भी फिल्म को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस फिल्म की कहानी क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों बता दें ऋषि कुमार को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित की गई एक जो है समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है। वो अपनी माँ को भारत से अपने साथ रहने के लिए लेकर आए हैं। प्रिया उनके सहयोगी ने उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन किया है उनके बताए बिना। दोस्तों इस पार्टी को चुपके से फीड किया गया है जिसमें उनके करीबी बचपन के दोस्त कन्ना जो कुछ वर्षों से उनसे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दो जुए शामिल होंगे उस पार्टी के अंदर। लेकिन दोस्तों पूरे 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद में एक माध्यम वर्गीय एकल जो है परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता सत्यनारायण एक निजी निगम में एक कलर के रूप में काम किया करते थे। परिणाम स्वरूप एक दिन ये हुआ कि ऋण उन्होंने बहुत ज्यादा ले लिया बैंक से, जिसकी विफलता के कारण ऋषि के साथ जो है अच्छे संबंध नहीं हुआ करते थे। दोस्तों इन सभी चीजों से ऋषि परेशान हो चुके थे, लेकिन ऋषि ने विजाग में स्थित एक जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय आईटी में अपना स्नातक कोर्स पूरा करने के लिए प्रवेश प्राप्त किया। लेकिन दोस्तों इसीलिए उन्हें जो स्थानांतरित करना पड़ा, क्योंकि ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सभी जो है सहपाठी होने के नाते एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। रवि एक गरीब जो है किसान का बेटा तो है, जिसकी अपने बेटे के बारे में मासूम उम्मीदों ने प्रेरित किया और वास्तव में उसे अमेरिका में अच्छी जो है कमाई करने का लक्ष्य रखने के लिए दबाव भी डाला गया था उनके ऊपर। लेकिन दोस्तों उनमें से एक जो है सहपाठी अजय ऋषि से बहुत ज़्यादा दुश्मनी करता था, क्योंकि बाद में पढ़ाई में उससे आगे निकल गया था। जबकि पूजा ने ऋषि को उसके जो है विशिष्ट भारतीय संयुक्त परिवार से परिचित करना और इसके अलावा जो है प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने भावनाओं को व्यक्तित किया था। दोस्तों अपने भावनाओं को व्यक्तित किया। रवि पहले जो है सेमेस्टर की परीक्षा में फेल तो हो गया, जबकि दोस्तों दूसरी तरफ ऋषि ने इसमें पहली रैंक हासिल कर ली। पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं में 2 बैंक के लोन मिलने पर रवि उदास हो गया, लेकिन ऋषि ने उसे खुद पर जो है भरोसा करने और अपने पिता से प्रेरित होने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन दोस्तों इससे निराश नहीं होना पड़ा, क्योंकि कैंपस जो है प्लेसमेंट के दौरान रवि ने अपने पिता जो है प्रेमिका पल्लवी और बाद के पिता रवि के पिता के एक अच्छे दोस्त को जो है संपन्न और प्रश्न करते हुए एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों इधर पूजा ने अमेरिका में ऋषि के साथ रहने के लिए इन्फोसिस में एक नौकरी को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपने जो है AI जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के विचार के लिए ओरिजिन को एक प्रस्ताव दिया था, जिसे जो है स्वीकार कर लिया गया था। अब दोस्तों इधर आपको बता दें, हालांकि ऋषि ने सुझाव दिया था कि उन्हें और पूजा को अपने रिश्ते को समाप्त कर देना चाहिए था, क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनके करियर के लिए एक बाधा बन जाएगी और कहा कि वह उनके दिल में एक बोझ नहीं बनना चाहता है। ये सुनकर कि वह चली जाती है। जब रवि ने ऋषि को पूजा से नाता तोड़ने के लिए पकड़ने की कोशिश की तो लेकिन इससे उनके बीच जो है अनबन हो गया। जैसे ही अंतिम जो है सेमेस्टर की परीक्षाएं आई, वहाँ पे नतीजतन आई के ऋषि पर जो है कि प्रश्न पत्र चुराने का आरोप लगाया गया, जो वास्तव में अजय धारा उसे जो है परीक्षा देने से रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। दोस्तों एक साजिश रचा गया था। हालांकि एक जो है सुराग मिलने पर जिसने जो है ऋषि के खिलाफ आरोप को गलत साबित कर दिया, पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अपनी परीक्षाओं को पूरा करने के बाद ऋषि न्यूयॉर्क के शहर चले गए और रैंकों के माध्यम से मूल में एक अग्रणी जो है कार्यकारी बन गए। अपनी परियोजना के बारे में अपनी जो प्रस्तुति के दौरान ऋषि को पता चला कि उनके पिता उनकी बीमारी के कारण नींद में चल बसे और वह भारत लौट आया, केवल ये महसूस करने के लिए कि उनके पिता उन्हें किसी भी चीज से अधिक प्यार करते थे और उन्हें याद करते थे। क्योंकि दोस्तों ऋषि जो है मुश्किल से ही उनके साथ बात करते थे। पिता से दिल से बात न कर पाने के कारण जो ऋषि ने काफी ज्यादा अपने अंदर जो घबराहट और व्याकुलता को एक साथ महसूस किया। बाद में वर्तमान समय में ऋषि ने रवि के बारे में चंद्रशेखर से पूछताछ की। इसके बाद पूर्व ने खुलासा किया कि रवि को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि उसने ऋषि के खिलाफ आरोप लगाने का दोष अपने ऊपर लिया था और दोस्तों जिससे उसके पिता को आत्महत्या करनी पड़ी थी। तबाह और बर्बाद हो गया। यहाँ पे अपनी माँ द्वारा सलाह दिए जाने पर ऋषि एक लंबी अवधि की छुट्टी लेता है और रवि को USA ले जाने के लिए उसके और कन्या के साथ भारत के लिए उड़ान भरता है। वह अपने पैतृक के गांव रामावर में रवि से मिलने आता है। अकेले एक पाइपलाइन परिवहन यानी कि एक पाइपलाइन जो है परिवहन परियोजना के खिलाफ विरोध करता है रवि। लेकिन दोस्तों रामावरम गांव के विद्वान की आवश्यकता होती है, जबकि पल्लवी के पिता गांव के प्रतिनिधि हो गए हैं। गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं लेकिन असहाय हैं। गांव वालों को छोड़ी जाने वाली जो है जमीन के लिए उचित मूल्य के लिए बातचीत करने की कोशिश करते सकते हैं। रवि कभी नहीं चाहता है कि परियोजना यहाँ पे खड़ी हो, लेकिन दोस्तों ऋषि को ये महसूस हुआ कि रवि कभी भी गाँव छोड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन उनके विरोध के लिए कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा था। तब ऋषि ये महसूस करते हुए कि रवि कभी भी उनके साथ नहीं जाएगा, वह उसे वह दिलाने का फैसला करता है जो वह चाहता है। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने जाता है, जहां पे जो दावा करते हैं कि वह सबसे प्रभावशाली व्यवसायियों में से एक के रूप में असहाय है। विवेक मित्तल परियोजना को संभालते हुए नजर आते हैं। उसके बाद में इधर दोस्तों ऋषि विवेक से मिलने आते हैं और उनसे रामावरम को बाहर करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन उन्होंने उपकृत करने से इनकार कर दिया। ऋषि अपने कार्यक्रम का प्रबंध करने के लिए रामावरम गांव में एक कार्यालय स्थापित करने की मीडिया को बताता है, स्थापित करने के लिए मीडिया को खबर देता और मीडिया के ध्यान को आकर्षित करते हैं। और एक प्रतिष्ठित यानी कि वीडियो गेमिंग कंपनी में एक टीम लीडर पूजा को ऋषि से मिलने और सहयोग के लिए बातचीत करने के लिए भेजा जाता है। एक साथ दोस्तों रामावरम भेजे जाते हैं गांव में, लेकिन बहाने बनाकर ऋषि उससे पूछताछ और उसका सहयोगी जो है रामावरम में रहते हैं और उसके वीडियो गेम के विचार पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों इससे ये पता चला और उन दोनों में सुलह हो गया। सुलह करने का इरादा दोनों रखते हैं, लेकिन पूजा का ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि उसका दिल पहले से ही टूट गया था और मजबूरी में वही कहती है। जब जो है ऋषि मीडिया को बताता है कि उसने अपने जो है दोस्त के लिए अपना ऑफिस बनाया, तो मीडिया रवि से ऋषि के साथ जाने से इनकार करने के वजह पूछे जाते हैं और रवि ने अपने पैतृक गांव के प्रति अपने जो है लगाव को प्रकट किया और कई अन्य जो है ग्रामीणों को राष्ट्रव्यापी ध्यान आकर्षित करने वाले विरोध में शामिल कर लिया था। इन विरोधों में शामिल किया और पहल करने के लिए प्रेरित किया गया था। पल्लवी के पिता जो अपने पिता की मौत के लिए रवि को दोषी मानते हैं, अब जो है पल्लवी के पास उनके रिश्ते के खिलाफ कोई भी चीज नहीं बची हुई है। इस बारे में जानने पर ऋषि ने पल्लवी के पिता से बात की और उन्हें रवि के बलिदान के बारे में अवगत कराया, जिससे पल्लवी के पिता ने रवि के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करने का फैसला किया। इसके जो है एक यानी कि के कारण पूजा ऋषि के साथ सुलह करने का फैसला तो कर लेती है, जबकि कई अन्य जो है गांव विरोधी में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों इधर विवेक विरोध के कारण जो है परेशानी को भांपते हुए रामावरम गांव पहुंचता है और वहां पे अहंकार से बाहर होकर प्रदर्शनकारियों के बीच लोगों के एक समूह को आकर्षित करने के लिए एक उच्च मुआवजे का हवाला देने का फैसला करता है। नतीजतन दोस्तों रवि को एक पड़ोसी गाँव के मुखिया के गुंडों द्वारा चाकू मार दिया जाता है, जिसे जो है विवेक द्वारा रिश्वत दी जाती है, लेकिन ऋषि उसे जो है हत्या होने से बचा लेता है और उसे जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विवेक एक स्वच्छता कार में ऋषि पर उनसे जो है परियोजना में हिस्सा मांगने का फैसला तो करता है और ये दावा करता है कि उनकी अस्वीकृति के परिणाम स्वरूप रवि का उपयोग करना शुरू कर दिया गया। वह ये सवाल करता है कि इतने साल ऋषि कहाँ थे और विरोध करने पर रवि को क्यों याद किया जाता है। पूजा भी ऋषि के इरादों पर शक करती है और उसे रवि की स्थिति के लिए दोषी ठहराती है और बताती है कि वह जो है थोड़ा भी नहीं बदला है, जिससे जो है उसका दिल सबसे ज़्यादा टूटा और उसने जो है गांव छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उनकी माँ ने ऋषि को यह बताकर जो है प्रोत्साहित किया कि सत्यनारायण असफल नहीं थे, उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की और इसके लिए उन्होंने चयनित हुए थे। इस चीज़ को लेकर इसके बाद दोस्तों अपनी यूपीएससी परीक्षा जो है उत्तीर्ण की और स्वच्छता कार्य के दौरान उन्होंने कहा था, लेकिन दबे हुए यानी कि कुचले और किसानों के पक्ष में विरोध करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों गिरफ्तार होने के बाद अयोग्य जो है घोषित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी यानी कि पछतावा नहीं किया और इसे जो है असफल माना, क्योंकि ये एक अच्छे कारण के लिए थे। ऋषि ने जो काम शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए वह रामावरम वापस चला जाता है और एक किसान उसे जो है खेती करने के लिए प्रेरित करता है। ऋषि विवेक की तुलना में अधिक जो है कीमत का हवाला देते हुए ऋषि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने वाले किसानों को जमीन भी यानी कि पट्टे पर देता है। बाद में एक प्रेस मीट में ऋषि ने दिल दहला देने वाला भाषण दिया, जिससे सभी का ध्यान उसके तरफ चला जाता है। दोस्तों इस बयान में उन्होंने बताया कि कैसे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और कई लोग जो इससे परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। किसान अपनी ज़मीन के मूल्य का एहसास करते हैं और बता दें पाइपलाइन परियोजना के साथ जाने से इनकार करते हैं। पूरा पूजा उनके भाषण को देखकर जो है ऋषि के साथ सुलह कर लिया और अजय जिसे जो है अब अपनी गलती का एहसास हो गया और वह एक प्रमुख बैंक अधिकारी बन गया है। परियोजना शुरू करने और भूमि अधिग्रहण करने के पीछे जो है कर्ज से बचने के लिए विवेक की धोखेधारी का इरादों को उजागर किया गया और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि परियोजना को रोक दिया गया है और विवेक को गिरफ्तार कर लिया जाता है फिल्म के अंत में। इधर दोस्तों ऋषि के लिए अपनी नौकरी पर वापस अमेरिका जाने का समय आ गया है, लेकिन वह नहीं जाने का फैसला करता और यह महसूस करते हुए कि उसकी खुशी गांव में है और वह कृषि में जाने का फैसला कर लेता है। और दोस्तों ये मूवी की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों महर्षि फिल्म की कहानी ये है। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो आप इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें साल 2014 में इवेंटू फिल्म रिलीज होने के बाद सफलतापूर्वक जो है निर्माण करने के बाद दिलराजू ने श्री वेंकटेश क्रिएशंस के साथ काम करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों 2018 की शुरुआत में वमशी पेड्डिपल्ली के साथ अपने जो चौथे सहयोग की घोषणा की। 9 अगस्त 2018 को महार्षि शीर्षक की पुष्टि होने से पहले फिल्म को संभावित जो है शीर्ष SSMB 25 के तहत लॉन्च किया गया था पहले। लेकिन दोस्तों फिल्म के पटकथा लेखन के बारे में फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने बात करते हुए वमशी सर से ये कहा था कि फिल्म की पटकथा लिखते समय सबसे कठिन जो है भागों में से एक नायक की यात्रा वाली भाग थी और हम बिल्कुल जो स्पष्ट थे कि हम एक कहानी नहीं बताने जा रहे थे और यहाँ पर कहानी के बारे में ये भी अर्थ बायोपिक की तरह कहा गया था। दोस्तों शुरू से ही एक नायक की तरह चरित्र का इलाज नहीं करना चाहते थे। ये एक ऐसे चरित्र के बारे में है जो अंत में नायक बन जाता है। लेकिन दोस्तों लंबे समय तक फिल्म की कहानी पर काम करने के बाद फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्मांकन के बारे में एक संक्षिप्त में ये भी कहा गया था और फिल्म के शेड्यूल में हैदराबाद, गोवा में और कई जगहों पर मूवी के शेड्यूल तैयार किए गए थे। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस फिल्म को पहले रवाना किया गया। दूसरे शेड्यूल में फिल्म का प्रमुख हिस्सा जो है न्यूयॉर्क में शूट किया गया। यहाँ पे यूएस शेड्यूल में देरी के बाद इसे एक क्षेत्र में फिल्मांकन नवंबर 2018 में पूरा कर लिया गया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे जल्द ही टीम ने हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग फिर से शुरू कर दी, जहाँ एक काल्पनिक गाँव का सेट बनाया गया था। वामजी सर ने शुरू में एक वास्तविक गाँव में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई थी, लेकिन दोस्तों बाद में इसे एक सेट में शूट करने का ही फैसला किया गया क्योंकि दोस्तों उन्होंने महसूस किया था कि वास्तविक स्थान पर भीड़ को नियंत्रित करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इस फिल्म को वास्तविक गांव में शूट नहीं किया गया और दोस्तों ये बताया गया था कि सेट का निर्माण 8 करोड़ की लागत से किया गया। शेड्यूल दिसंबर 2018 के तीसरे हफ्ता तक चला। टीम ने तब जो है संक्षिप्त ब्रेक लिया जिसमें जो है महेश बाबू और उनका परिवार एक छोटी सी छुट्टी के लिए रवाना हुए थे। जनवरी 2019 के दूसरे हफ्ता में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और आपको बता दें शेड्यूल जो है पोल्लाची तमिलनाडु में हुआ था, जहां पे उसी महीने में पूरा किया गया था शूटिंग। अगले शेड्यूल के बारे में हम बात करें तो फरवरी 2019 में हुआ था। फरवरी में श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने यह घोषणा किया 2 गानों को छोड़कर फिल्मांकन 15 मार्च 2019 तक पूरा हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोस्तों 6 मार्च 2019 को दिलराजू ने घोषणा किया था कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया जाएगा। फिल्म को 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। महर्षि को 8 मार्च 2019 को भारत में आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। जी हाँ फैंस, बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस प्रकार दोस्तों ये फिल्म उस समय की पहली तेलुगु फिल्म बन गई जिसकी बड़ी स्क्रीन गिनती हुई थी। फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले 8 मार्च 2019 को आयकर विभाग के कुछ अधिकारी ने हैदराबाद में दिलराजू के कार्यालय और उनके घर पर छापा मारा। फिल्म को 2020 में तमिल वर्जन में रिलीज किया गया, जहाँ पे कन्नड़ बीरा महर्षि के रूप में मलयालम में भी इस फिल्म को ड्रॉप किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के पूर्व रिलीज व्यवसाय जिसमें जो है थिएटर, विदेशी उपग्रह, डिजिटल और संगीत और डबिंग अधिकार शामिल था। 150 करोड़ में बेचा गया था। फिल्म के विश्वव्यापी नाट्य अधिकार 100 करोड़ में बेचा गया था। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों महर्षि फिल्म को आलोचकों से काफी शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिला। रिलीज होने के बाद फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं देखने को मिला है। द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, महर्षि के दिल में एक ऐसी कहानी है जिसे एक सामूहिक सामाजिक नाटक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की परिवर्तनकारी यात्रा का भी इसमें एक पता लगाया गया। लेकिन ये क्या हो सकता था, इसके बीच एक बड़ा अंतर है और ये क्या है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि इसे केवल जो है महेश बाबू और अल्लारी नरेश के प्रदर्शन के लिए नहीं देखे बल्कि कहानी के लिए भी इस फिल्म को देखें। अगर आपको इसके साथ आने वाली सभी घंटियों और सीटियों पर ध्यान नहीं हो सकता है तो इस फिल्म की कहानी आपको अच्छी लगेगी। इसके कारण हम आपको बतला सकते हैं क्योंकि कहानी के अंदर आपको एक शानदार सीन देखने को मिलता है। एक अमेरिका में बड़ी नौकरी होने के बावजूद भी फिल्म का हीरो गांव में रहने की फैसला करता है और किसानों की मदद करने की कोशिश करता है। ये चीज़ इस फिल्म में काफ़ी मायने रखती है। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखते हुए आपको बता दें कार्तिक कुमार ने कहा था, महर्षि बड़े विचार वाली एक समस्या ग्रस्त फिल्म है लेकिन यह दिल को झकझोर देता है। आपको बता दें खेती के उपयुक्त कथानों को बाहर निकाले और महर्षि एक थकाऊ घड़ी होती है इस चीज में, क्योंकि इसमें ऋषि सिर्फ अपने जो है सांस चुप नहीं होता और आपको बता दें सफलता पर उपदेश भी देता है। सीफी ने इस फिल्म के वर्णन करते हुए वक्त ये कहा, अवधि की आलोचना की समीक्षक ने यह महसूस किया था कि फिल्म की कहानी जो है पूर्वानुमेय है और इसके अलावा जो है मौलिकता का कोई भी अंश नहीं है, उन्होंने कहा। दूसरे भाग के बारे में हम बात करें तो पूरी तरह से असंतुष्ट है और आपको बता दें भावनात्मक कोर और विश्वसनीय भी है। साथ ही साथ दोस्तों साक्षी पोस्ट ने कहा था कि बाबू और नरेश का अभिनय प्रदर्शन और निर्देशन जो है फिल्म की सशस्त्र कार है, क्योंकि जबकि जो है देवी का साउंड एड और खराब पटकथा फिल्म की कमियां को काफी ज्यादा अच्छी तरह से महसूस करवाता है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होता क्योंकि दोस्तों News 18 ने कहा, महर्षि मलबे और लक्ष्यहीन कारण के बीच में आराम और खुशी की भावना का अनुभव भी करता है। इंडिया टुडे ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार दिया और कहा, महर्षि की कई जो है उप भूखंडों के बीच एक भावपूर्ण कहानी है। अगर केवल ये कुरकुरा और बिंदु तक जाता था तो यदि केवल महेश बाबू की महर्षि अपनी जो है मातृभूमि में वापस आने वाले एक व्यवसायी जो है टाइकोनिक के बारे में है, उनका यहाँ एक बड़ा उद्देश्य है। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने सिनेमेटोग्राफी, मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन और फिल्म स्कोर की प्रशंसा करते हुए कहा कि महर्षि एक जो है सुविचारित नाटक वाली मूवी है और दोस्तों इसमें कुछ जो है खूबसूरती से लिखे गए दृश्य है। हालांकि बहुत सी चीज़ों पर जो है वापस रखा गया है जो वह इतने लंबे समय तक जो है कहना चाहते हैं। यह आपको कई बार जो है बेचैन करता है। जहां डेक्कन क्रॉनिकल के एक आलोचक ने भी सिनेमेटोग्राफी, प्रमुख अभिनेताओं के प्रदर्शन और फिल्म के स्कोर की प्रशंसा की और 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी। इसके बारे में कहा द इंडियन एक्सप्रेस के गब्बेटा, जहाँ पे रंजीत कुमार ने अंतिम फैसला देते हुए फिल्म को वीर को खुश करने वाला बताया। वमशी पेड्डिपल्ली भावनात्मक रूप से गहन विषय को अच्छी तरह से संभालते ये भी कहा। लेकिन दोस्तों निर्देशक महर्षि मूवी के रन टाइम पर अधिक जो है ध्यान भी दिया गया था। यहाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। आइए दोस्तों महर्षि मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओपनिंग डे पर महर्षि फिल्म ने 59 करोड़ से अधिक की संग्रह किया। भारत के तेलुगु भाषी राज्यों में इसने 33 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और वितरकों का शेयर संग्रह किया 24 करोड़ में। अपने शुरुआती दिन में फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 5,11,000 से अधिक की कमाई किया डॉलर में, जो इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो 3 करोड़ से अधिक हो जाती है। ऑस्ट्रेलियन फिल्म ने 1 लाख से अधिक की कमाई किया था डॉलर में और दोस्तों चेन्नई में 23 लाख से अधिक की कमाई की। अपने रिलीज के दूसरे दिन फिल्म ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 32 करोड़ से अधिक की कमाई किया। 3 दिनों में फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पे 11 लाख से अधिक की कमाई कर लिया था। इसी के साथ दोस्तों पहले विस्तारित हफ्ता में गुरुवार को रिलीज में फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक की कमाई किया और 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। अपने पहले हफ्ते के अंत तक फिल्म ने बेंगलुरु में 3 करोड़ से अधिक की वितरकों का शेयर जो है अर्जित कर लिया था, जहां पे 5वें दिन इसने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। इस क्षेत्र में कुल मिला के 75 करोड़ सकल संग्रह शामिल है, जिसकी वजह से 53 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। अपने रिलीज के छठे दिन इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.5 लाख से अधिक की कमाई की थी, जिससे ये बाबू के करियर में इस भूमिका को पार करने वाली छठी फिल्म बन गई थी। 7 दिनों में इसने संयुक्त अरब इमारात के बॉक्स ऑफिस पे 8 करोड़ से अधिक की कमाई की। 11 दिनों में फिल्म ने तेलुगु भाषी राज्यों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 72 करोड़ से अधिक की कमाई की। थिएटर में अपने प्रदर्शन के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर में 187 करोड़ से अधिक की कमाई किया और एक जगह पे भी बताया गया है कि 200 करोड़ से अधिक की कमाई इस फिल्म ने किया है। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है महर्षि फिल्म को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू के साथ इस फिल्म में पूजा हेगड़े अभिनय करती हुई दिखाई दी थी। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में अल्लारी नरेश भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इस फिल्म की संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो देवी श्री प्रसाद द्वारा फिल्म के गाने को तैयार किया गया था। और दोस्तों ये मूवी 9 मई 2019 को रिलीज हुई थी। साथ ही साथ महर्षि फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा मिले रिलीज होने के बाद। हालांकि दोस्तों फिल्म के कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन सीक्वेंस और फिल्म की कथानक, फिल्म के भावनात्मक भागफल और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा भी किया गया था रिलीज होने के बाद। लेकिन दोस्तों ये फिल्म रिलीज होने से पहले इसकी भविष्यवाणी भी की गई थी, इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा। और दोस्तों ये बताया गया था कि ये फिल्म लंबी कथा के लिए आलोचना की गई थी। दुनिया भर में ये मूवी 175 करोड़ से लेकर 200 करोड़ से अधिक की कमाई किया। और दोस्तों महर्षि मूवी 2019 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है। और आपको बता दें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक में ये मूवी शुमार है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी हिट होने के बाद 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में इस फिल्म को दोस्तों संपूर्ण मनोरंजन करने वाली और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार इस मूवी को दिया गया था। यहाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना। आइए दोस्तों अब बात करते हैं महर्षि फिल्म की कहानी के बारे में। बहुत सारे लोग इस फिल्म की कहानी को देखने के बाद भी फिल्म को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस फिल्म की कहानी क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों बता दें ऋषि कुमार को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित की गई एक जो है समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है। वो अपनी माँ को भारत से अपने साथ रहने के लिए लेकर आए हैं। प्रिया उनके सहयोगी ने उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन किया है उनके बताए बिना। दोस्तों इस पार्टी को चुपके से फीड किया गया है जिसमें उनके करीबी बचपन के दोस्त कन्ना जो कुछ वर्षों से उनसे नहीं मिले थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त जो शामिल होंगे उस पार्टी के अंदर। लेकिन दोस्तों पूरे 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद में एक मध्यम वर्गीय एकल जो है परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता सत्यनारायण एक निजी निगम में एक क्लर्क के रूप में काम किया करते थे। परिणाम स्वरूप एक दिन ये हुआ कि ऋण उन्होंने बहुत ज्यादा ले लिया बैंक से, जिसकी विफलता के कारण ऋषि के साथ जो है अच्छे संबंध नहीं हुआ करते थे। दोस्तों इन सभी चीजों से ऋषि परेशान हो चुके थे। लेकिन ऋषि ने विजाग में स्थित एक जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IT में अपना स्नातक कोर्स पूरा करने के लिए प्रवेश प्राप्त किया। लेकिन दोस्तों इसीलिए उन्हें जो स्थानांतरित करना पड़ा क्योंकि ऋषि, उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सभी जो है सहपाठी होने के नाते एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। रवि एक गरीब जो है किसान का बेटा तो है जिसकी अपने बेटे के बारे में मासूम उम्मीदों ने प्रेरित किया और वास्तव में उसे अमेरिका में अच्छी जो है कमाई करने का लक्ष्य रखने के लिए दबाव भी डाला गया था उनके ऊपर। लेकिन दोस्तों उनमें से एक जो है सहपाठी अजय ऋषि से बहुत ज़्यादा दुश्मनी करता था क्योंकि बाद में पढ़ाई में उससे आगे निकल गया था। जबकि पूजा ने ऋषि को उसके जो है विशिष्ट भारतीय संयुक्त परिवार से परिचित करना और इसके अलावा जो है प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने भावनाओं को व्यक्तित किया था। दोस्तों अपने भावनाओं को व्यक्तित किया। रवि पहले जो है सेमेस्टर की परीक्षा में फेल तो हो गया, जबकि दोस्तों दूसरी तरफ ऋषि ने इसमें पहली रैंक हासिल कर ली। पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं में 2 बैंक के लोन मिलने पर रवि उदास हो गया। लेकिन ऋषि ने उसे खुद पर जो है भरोसा करने और अपने पिता से प्रेरित होने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन दोस्तों इससे निराश नहीं होना पड़ा क्योंकि कैंपस जो है प्लेसमेंट के दौरान रवि ने अपने पिता जो है प्रेमिका पल्लवी और बाद के पिता रवि के पिता के एक अच्छे दोस्त को जो है संपन्न और प्रश्न करते हुए एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों इधर पूजा ने अमेरिका में ऋषि के साथ रहने के लिए इन्फोसिस में एक नौकरी को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपने AI ऑपरेटिंग सिस्टम के विचार के लिए ओरिजिन को एक प्रस्ताव दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। अब दोस्तों इधर आपको बता दे, हालांकि ऋषि ने सुझाव दिया था कि उन्हें और पूजा को अपने रिश्ते को समाप्त कर देना चाहिए था, क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनके करियर के लिए एक बाधा बन जाएगी, और कहा कि वह उनके दिल में एक बोझ नहीं बनना चाहता है। ये सुनकर कि वह चली जाती है। जब रवि ने ऋषि को पूजा से नाता तोड़ने के लिए पकड़ने की कोशिश की तो लेकिन इससे उनके बीच अनबन हो गया। जैसे ही अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आई, वहाँ पे नतीज आई कि ऋषि पर इनकी प्रश्न पत्र चुराने का आरोप लगाया गया, जो वास्तव में अजय धारा उसे परीक्षा देने से रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। दोस्तों एक साजिश रचा गया था। हालांकि एक सुराग मिलने पर जिसने ऋषि के खिलाफ आरोप को गलत साबित कर दिया, पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अपनी परीक्षाओं को पूरा करने के बाद ऋषि न्यूयॉर्क के शहर चले गए और रैंकों के माध्यम से मूल में एक अग्रणी कार्यकारी बन गए। अपनी परियोजना के बारे में अपनी प्रस्तुति के दौरान ऋषि को पता चला कि उनके पिता उनकी बीमारी के कारण नींद में चल बसे और वह भारत लौट आया, केवल ये महसूस करने के लिए कि उनके पिता उन्हें किसी भी चीज से अधिक प्यार करते थे और उन्हें याद करते थे। क्योंकि दोस्तों ऋषि मुश्किल से ही उनके साथ बात करते थे। पिता से दिल से बात न कर पाने के कारण ऋषि ने काफी ज्यादा अपने अंदर घबराहट और व्याकुलता को एक साथ महसूस किया। बाद में वर्तमान समय में ऋषि ने रवि के बारे में चंद्रशेखर से पूछताछ की। इसके बाद पूर्व ने खुलासा किया कि रवि को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि उसने ऋषि के खिलाफ आरोप लगाने का दोष अपने ऊपर लिया था, और दोस्तों जिससे उसके पिता को आत्महत्या करनी पड़ी थी। तबाह और बर्बाद हो गया। यहाँ पे अपनी माँ द्वारा सलाह दिए जाने पर ऋषि एक लंबी अवधि की छुट्टी लेता है और रवि को USA ले जाने के लिए उसके और कन्या के साथ भारत के लिए उड़ान भरता है। वह अपने पैतृक के गांव रामावर में रवि से मिलने आता है। अकेले एक पाइपलाइन परिवहन यानी कि एक पाइपलाइन परिवहन परियोजना के खिलाफ विरोध करता है रवि। लेकिन दोस्तों रामावरम गांव के विद्वांस की आवश्यकता होती है, जबकि पल्लवी के पिता गांव के प्रतिनिधि हो गए हैं। गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं लेकिन असहाय हैं। गांव वालों को छोड़ी जाने वाली जमीन के लिए उचित मूल्य के लिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रवि कभी नहीं चाहता है कि परियोजना यहाँ पे खड़ी हो, लेकिन दोस्तों ऋषि को यह महसूस हुआ कि रवि कभी भी गांव छोड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन उनके विरोध के लिए कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा था। तब ऋषि ये महसूस करते हुए कि रवि कभी भी उनके साथ नहीं जाएगा, वह उसे वह दिलाने का फैसला करता है जो वह चाहता है। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने जाता है, जहाँ पे जो दावा करते हैं कि वह सबसे प्रभावशाली व्यवसायियों में से एक के रूप में असहाय है। विवेक मित्तल परियोजना को संभालते हुए नजर आते हैं। उसके बाद में इधर दोस्तों ऋषि विवेक से मिलने आते हैं और उनसे रामावरम को बाहर करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन उन्होंने उपकृत करने से इनकार कर दिया। ऋषि अपने कार्यक्रम का प्रबंध करने के लिए रामावरम गांव में एक कार्यालय स्थापित करने की मीडिया को बताता है। स्थापित करने के लिए मीडिया को खबर देता और मीडिया के ध्यान को आकर्षित करते हैं, और एक प्रतिष्ठित यानी कि वीडियो गेमिंग कंपनी में एक टीम लीडर पूजा को ऋषि से मिलने और सहयोग के लिए बातचीत करने के लिए भेजा जाता है। एक साथ दोस्तों रामावरम भेजे जाते हैं गांव में, लेकिन बहाने बनाकर ऋषि उससे पूछताछ और उसका सहयोगी रामावरम में रहते हैं और उसके वीडियो गेम के विचार पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों इससे ये पता चला और उन दोनों में सुलह हो गया। सुलह करने का इरादा दोनों रखते हैं, लेकिन पूजा का ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि उसका दिल पहले से ही टूट गया था और मजबूरी में वही कहती है। जब ऋषि मीडिया को बताता है कि उसने अपने दोस्त के लिए अपना ऑफिस बनाया, तो मीडिया रवि से ऋषि के साथ जाने से इनकार करने के वजह पूछे जाते हैं, और रवि ने अपने पैतृक गांव के प्रति अपने लगाव को प्रकट किया और कई अन्य ग्रामीणों को राष्ट्रव्यापी ध्यान आकर्षित करने वाले विरोध में शामिल कर लिया था। इन विरोधों में शामिल किया और पहल करने के लिए प्रेरित किया गया था। पल्लवी के पिता जो अपने पिता की मौत के लिए रवि को दोषी मानते हैं, अब जो है पल्लवी के पास उनके रिश्ते के खिलाफ कोई भी चीज़ नहीं बची हुई है। इस बारे में जानने पर ऋषि ने पल्लवी के पिता से बात की और उन्हें रवि के बलिदान के बारे में अवगत कराया, जिससे पल्लवी के पिता ने रवि के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करने का फैसला किया। इसके जो है एक यानी कि कृत्या के कारण पूजा ऋषि के साथ सुलह करने का फैसला तो कर लेती है, जबकि कई अन्य जो है गांव विरोधी में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, इधर विवेक विरोध के कारण जो है परेशानी को भांपते हुए रामावरम गांव पहुंचता है और वहां पे अहंकार से बाहर होकर प्रदर्शनकारियों के बीच लोगों के एक समूह को आकर्षित करने के लिए एक उच्च मुआवजे का हवाला देने का फैसला करता है। नतीजतन दोस्तों रवि को एक पड़ोसी गाँव के मुखिया के गुंडों द्वारा चाकू मार दिया जाता है, जिसे जो है विवेक धारा रिश्वत दी जाती है, लेकिन ऋषि उसे जो है हत्या होने से बचा लेता है और उसे जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विवेक एक स्वच्छता कार में ऋषि पर उनसे जो है परियोजना में हिस्सा मांगने का फैसला तो करता है और ये दावा करता है कि उनकी अस्वीकृति के परिणाम स्वरूप रवि का उपयोग करना शुरू कर दिया गया। वह ये सवाल करता है कि इतने साल ऋषि कहाँ थे और विरोध करने पर रवि को क्यों याद किया जाता है। पूजा भी ऋषि के इरादों पर शक करती है और उसे रवि की स्थिति के लिए दोषी ठहराती है और बताती है कि वह जो है थोड़ा भी नहीं बदला है, जिससे जो है उसका दिल सबसे ज़्यादा टूटा और उसने जो है गांव छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उनकी माँ ने ऋषि को यह बताकर जो है प्रोत्साहित किया कि सत्यनारायण असफल नहीं थे, उन्होंने UPSC की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की और इसके लिए उन्होंने चयनित हुए थे। इस चीज को लेकर इसके बाद दोस्तों अपनी UPSC परीक्षा जो है उत्तीर्ण की और स्वच्छता कार्य के दौरान उन्होंने कहा था, लेकिन दबे हुए यानी कि कुचले और किसानों के पक्ष में विरोध करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों गिरफ्तार होने के बाद अयोग्य जो है घोषित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी यानी कि पछतावा नहीं किया और इसे जो है असफल माना, क्योंकि ये एक अच्छे कारण के लिए थे। ऋषि ने जो काम शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए वह रामावरम वापस चला जाता है और एक किसान उसे जो खेती करने के लिए प्रेरित करता है। ऋषि विवेक की तुलना में अधिक जो है कीमत का हवाला देते हुए ऋषि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने वाले किसानों को जमीन भी यानी कि पट्टे पर देता है। बाद में एक प्रेस मीट में ऋषि ने दिल दहला देने वाला भाषण दिया, जिससे सभी का ध्यान उसके तरफ चला जाता है। दोस्तों इस बयान में उन्होंने बताया कि कैसे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और कई लोग जो इससे परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। किसान अपनी ज़मीन के मूल्य का एहसास करते हैं और बता दें पाइपलाइन परियोजना के साथ जाने से इनकार करते हैं। पूजा जो है उनके भाषण को देखकर जो है ऋषि के साथ सुलह कर लिया और अजय जिसे जो है अब अपनी गलती का एहसास हो गया और वह एक प्रमुख बैंक अधिकारी बन गया है। परियोजना शुरू करने और भूमि अधिग्रहण करने के पीछे जो है कर्ज से बचने के लिए विवेक के धोखेधारी का इरादों को उजागर किया गया और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि परियोजना को रोक दिया गया है और विवेक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिल्म के अंत में इधर दोस्तों ऋषि के लिए अपनी नौकरी पर वापस अमेरिका जाने का समय आ गया है, लेकिन वह नहीं जाने का फैसला करता और यह महसूस करते हुए कि उसकी खुशी गांव में है और वह कृषि में जाने का फैसला कर लेता है। और दोस्तों ये मूवी की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों महर्षि फिल्म की कहानी ये है। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो आप इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो, आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बतलाइएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें साल 2014 में युवेडू फिल्म रिलीज होने के बाद सफलतापूर्वक जो है निर्माण करने के बाद दिलराजू ने श्री वेंकटेश क्रिएशंस के साथ काम करने का फैसला किया, लेकिन दोस्तों 2018 की शुरुआत में वमशी पेड्डिपल्ली के साथ अपने जो चौथे सहयोग की घोषणा की। 9 अगस्त 2018 को महर्षि शीर्षक की पुष्टि होने से पहले फिल्म को संभावित जो है शीर्ष SSMB 25 के तहत लॉन्च किया गया था पहले, लेकिन दोस्तों फिल्म के पटकथा लेखन के बारे में फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने बात करते हुए वामसी सर से ये कहा था कि फिल्म की पटकथा लिखते समय सबसे कठिन जो है भागों में से एक नायक की यात्रा वाली भाग थी और हम बिल्कुल जो है स्पष्ट थे कि हम एक कहानी नहीं बताने जा रहे थे और यहाँ पर कहानी के बारे में ये भी अर्थ बायोपिक की तरह कहा गया था। दोस्तों शुरू से ही एक नायक की तरह चरित्र का इलाज नहीं करना चाहते थे। ये एक ऐसे चरित्र के बारे में है जो अंत में नायक बन जाता है। लेकिन दोस्तों लंबे समय तक फिल्म की कहानी पर काम करने के बाद फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्मांकन के बारे में एक संक्षिप्त में ये भी कहा गया था और फिल्म के शेड्यूल में हैदराबाद, गोवा में और कई जगहों पर मूवी के शेड्यूल तैयार किए गए थे। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस फिल्म को पहले रवाना किया गया। दूसरे शेड्यूल में फिल्म का प्रमुख हिस्सा जो है न्यूयॉर्क में शूट किया गया। यहाँ पे यूएस शेड्यूल में देरी के बाद इसे एक क्षेत्र में फिल्मांकन नवंबर 2018 में पूरा कर लिया गया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे जल्द ही टीम ने हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग फिर से शुरू कर दी, जहाँ एक काल्पनिक गाँव का सेट बनाया गया था। वामजी सर ने शुरू में एक वास्तविक गाँव में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई थी, लेकिन दोस्तों बाद में इसे एक सेट में शूट करने का ही फैसला किया गया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने महसूस किया था कि वास्तविक स्थान पर भीड़ को नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इस फिल्म को वास्तविक गांव में शूट नहीं किया गया। और दोस्तों ये बताया गया था कि सेट का निर्माण 8 करोड़ की लागत से किया गया। शेड्यूल दिसंबर 2018 के तीसरे हफ्ता तक चला। टीम ने तब जो है संक्षिप्त ब्रेक लिया, जिसमें जो है महेश बाबू और उनका परिवार एक छोटी सी छुट्टी के लिए रवाना हुए थे। जनवरी 2019 के दूसरे हफ्ता में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और आपको बता दें शेड्यूल जो है पोल्लाची तमिलनाडु में हुआ था, जहां पे उसी महीने में पूरा किया गया था शूटिंग। अगले शेड्यूल के बारे में हम बात करें तो फरवरी 2019 में हुआ था। फरवरी में श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने यह घोषणा किया 2 गानों को छोड़कर फिल्मांकन 15 मार्च 2019 तक पूरा हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोस्तों 6 मार्च 2019 को दिलराजू ने घोषणा किया था कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया जाएगा। फिल्म को 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। महर्षि को 8 मार्च 2019 को भारत में आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। जी हाँ फैंस, बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस प्रकार दोस्तों ये फिल्म उस समय की पहली तेलुगु फिल्म बन गई जिसकी बड़ी स्क्रीन गिनती हुई थी। फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले 8 मार्च 2019 को आयकर विभाग के कुछ अधिकारी ने हैदराबाद में दिलराजू के कार्यालय और उनके घर पर छापा मारा। फिल्म को 2020 में तमिल वर्जन में रिलीज किया गया, जहां पे कन्नड़ बीरा महर्षि के रूप में मलयालम में भी इस फिल्म को ड्रॉप किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के पूर्व रिलीज व्यवसाय जिसमें जो है थिएटर, विदेशी उपग्रह, डिजिटल और संगीत और डबिंग अधिकार शामिल था। 150 करोड़ में बेचा गया था। फिल्म के विश्वव्यापी नाट्य अधिकार 100 करोड़ में बेचा गया था। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों महर्षि फिल्म को आलोचकों से काफी शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिला। रिलीज होने के बाद फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं देखने को मिला है। द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, महर्षि के दिल में एक ऐसी कहानी है जिसे एक सामूहिक सामाजिक नाटक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की परिवर्तनकारी यात्रा का भी इसमें एक पता लगाया गया। लेकिन ये क्या हो सकता था, इसके बीच एक बड़ा अंतर है और ये क्या है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि इसे केवल जो है महेश बाबू और अल्लारी नरेश के प्रदर्शन के लिए नहीं देखे, बल्कि कहानी के लिए भी इस फिल्म को देखे। अगर आपको इसके साथ आने वाली सभी घंटियों और सीटियों पर ध्यान नहीं हो सकता है तो इस फिल्म की कहानी आपको अच्छी लगेगी, इसके कारण हम आपको बतला सकते हैं, क्योंकि कहानी के अंदर आपको एक शानदार सीन देखने को मिलता है। एक अमेरिका में बड़ी नौकरी होने के बावजूद भी फिल्म का हीरो गाँव में रहने की फैसला करता है और किसानों की मदद करने की कोशिश करता है। ये चीज़ इस फिल्म में काफ़ी मायने रखती है। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखते हुए आपको बता दें कार्तिक कुमार ने कहा था, महर्षि बड़े विचार वाली एक समस्याग्रस्त फिल्म है, लेकिन यह दिल को झकझोर देता है। आपको बता दें खेती के उप जो है कथानों को बाहर निकाले और महर्षि एक थकाऊ घड़ी होती है इस चीज़ में, क्योंकि इसमें ऋषि सिर्फ अपने जो है साथ चुप नहीं होता और आपको बता दें सफलता पर उपदेश भी देता है। सीफी ने इस फिल्म के वर्णन करते हुए वक्त ये कहा, अवधि की आलोचना की समीक्षक ने यह महसूस किया था कि फिल्म की कहानी जो है पूर्वानुमेय है और इसके अलावा जो है मौलिकता का कोई भी अंश नहीं है, उन्होंने कहा। दूसरे भाग के बारे में हम बात करें तो पूरी तरह से असंतुष्ट है और आपको बता दें भावनात्मक कोर और विश्वसनीय भी है। साथ ही साथ दोस्तों साक्षी पोस्ट ने कहा था कि बाबू और नरेश का अभिनय, प्रदर्शन और निर्देशन जो है फिल्म की स्वच्छता कार है, क्योंकि जबकि जो है देवी का साउंड एड और खराब पटकथा फिल्म की कमियां को काफी ज्यादा अच्छी तरह से महसूस करवाता है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होता, क्योंकि दोस्तों News 18 ने कहा महर्षि मलबे और लक्ष्यहीन कारण के बीच में आराम और खुशी की भावना का अनुभव भी करता है। इंडिया टुडे ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार दिया और कहा महर्षि की कई जो है उप भूखंडों के बीच एक भावपूर्ण कहानी है। अगर केवल ये कुरकुरा और बिंदु तक जाता था तो यदि केवल महेश बाबू की महर्षि अपनी जो है मातृभूमि में वापस आने वाले एक व्यवसायी जो है टाइकोनिक के बारे में है, उनका यहाँ एक बड़ा उद्देश्य है। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने सिनेमेटोग्राफी, मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन और फिल्म स्कोर की प्रशंसा करते हुए कहा कि महर्षि एक जो है सुविचारित नाटक वाली मूवी है और दोस्तों इसमें कुछ जो है खूबसूरती से लिखे गए दृश्य है। हालांकि बहुत सी चीज़ों पर जो है वापस रखा गया है जो वह इतने लंबे समय तक जो है कहना चाहते हैं। यह आपको कई बार जो है बेचैन करता है। जहां डेक्कन क्रॉनिकल के एक आलोचक ने भी सिनेमेटोग्राफी, प्रमुख अभिनेताओं के प्रदर्शन और फिल्म के स्कोर की प्रशंसा की और 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी। इसके बारे में कहा द इंडियन एक्सप्रेस के गब्बेटा, जहाँ पे रंजीत कुमार ने अंतिम फैसला देते हुए फिल्म को वीर को खुश करने वाला बताया। वंशी पेड्डीपल्ली भावनात्मक रूप से गहन विषय को अच्छी तरह से संभालते ये भी कहा। लेकिन दोस्तों निर्देशक महर्षि मूवी के रन टाइम पर अधिक जो है ध्यान भी दिया गया था। यहाँ फैंस अपने बिल्कुल सही सुना। आइए दोस्तों महर्षि मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओपनिंग डे पर महर्षि फिल्म ने 59 करोड़ से अधिक की संग्रह किया। भारत के तेलुगु भाषी राज्यों में इसने 33 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और वितरकों का शेयर संग्रह किया 24 करोड़ में। अपने शुरुआती दिन में फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 5,11,000 से अधिक की कमाई किया डॉलर में, जो इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो 3 करोड़ से अधिक हो जाती है। ऑस्ट्रेलियन फिल्म ने 1 लाख से अधिक की कमाई किया था डॉलर में और दोस्तों चेन्नई में 23 लाख से अधिक की कमाई की। अपने रिलीज के दूसरे दिन फिल्म ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 32 करोड़ से अधिक की कमाई किया। 3 दिनों में फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पे 11 लाख से अधिक की कमाई कर लिया था। इसी के साथ दोस्तों पहले विस्तारित हफ्ता में गुरुवार को रिलीज में फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक की कमाई किया और 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। अपने पहले हफ्ते के अंत तक फिल्म ने बेंगलुरु में 3 करोड़ से अधिक की वितरकों का शेयर जो है अर्जित कर लिया था, जहां पे 5वें दिन इसने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। इस क्षेत्र में कुल मिला के 75 करोड़ सकल संग्रह शामिल है, जिसकी वजह से 53 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। अपने रिलीज के छठे दिन इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.5 लाख से अधिक की कमाई की थी, जिससे ये बाबू के करियर में इस भूमिका को पार करने वाली छठी फिल्म बन गई थी। 7 दिनों में इसने संयुक्त अरब इमारात के बॉक्स ऑफिस पे 8 करोड़ से अधिक की कमाई की। 11 दिनों में फिल्म ने तेलुगु भाषी राज्यों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 72 करोड़ से अधिक की कमाई की। थिएटर में अपने प्रदर्शन के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर में 187 करोड़ से अधिक की कमाई किया और एक जगह पे भी बताया गया है कि 200 करोड़ से अधिक की कमाई इस फिल्म ने किया है। जी हाँ फैंस आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है महर्षि फिल्म को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू के साथ इस फिल्म में पूजा हेगड़े अभिनय करती हुई दिखाई दी थी। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में अल्लारी नरेश भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इस फिल्म की संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो देवी श्री प्रसाद द्वारा फिल्म के गाने को तैयार किया गया था और दोस्तों ये मूवी 9 मई 2019 को रिलीज हुई थी। साथ ही साथ महर्षि फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा मिली रिलीज होने के बाद। हालांकि दोस्तों फिल्म के कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन सीक्वेंस और फिल्म की कथानक, फिल्म के भावनात्मक भागफल और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा भी किया गया था रिलीज होने के बाद। लेकिन दोस्तों ये फिल्म रिलीज होने से पहले इसकी भविष्यवाणी भी की गई थी, इसके बारे में आप लोग को नहीं पता होगा। और दोस्तों ये बताया गया था कि ये फिल्म लंबी कथा के लिए आलोचना की गई थी। दुनिया भर में ये मूवी 175 करोड़ से लेकर 200 करोड़ से अधिक की कमाई किया और दोस्तों महर्षि मूवी 2019 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है और आपको बता दें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक में ये मूवी शुमार है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी हिट होने के बाद 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में इस फिल्म को दोस्तों संपूर्ण मनोरंजन करने वाली और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार इस मूवी को दिया गया था। यहाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना। आइए दोस्तों अब बात करते हैं महर्षि फिल्म की कहानी के बारे में। बहुत सारे लोग इस फिल्म की कहानी को देखने के बाद भी फिल्म को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस फिल्म की कहानी क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों बता दे ऋषि कुमार को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित की गई एक जो है समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है। वो अपनी माँ को भारत से अपने साथ रहने के लिए लेकर आए हैं। प्रिया उनके सहयोगी ने उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन किया है उनके बताए बिना। दोस्तों इस पार्टी को चुपके से फीड किया गया है जिसमें उनके करीबी बचपन के दोस्त कन्ना जो कुछ वर्षों से उनसे नहीं मिले थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त जो है शामिल होंगे उस पार्टी के अंदर। लेकिन दोस्तों पूरे 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद में एक मध्यम वर्गीय एकल जो है परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता सत्यनारायण एक निजी निगम में एक क्लर्क के रूप में काम किया करते थे। परिणाम स्वरूप एक दिन ये हुआ कि ऋण उन्होंने बहुत ज्यादा ले लिया बैंक से, जिसकी विफलता के कारण ऋषि के साथ जो है अच्छे संबंध नहीं हुआ करते थे। दोस्तों इन सभी चीजों से ऋषि परेशान हो चुके थे, लेकिन ऋषि ने विजाग में स्थित एक जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय आईटी में अपना स्नातक कोर्स पूरा करने के लिए प्रवेश प्राप्त किया। लेकिन दोस्तों इसीलिए उन्हें जो स्थानांतरित करना पड़ा क्योंकि ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सभी जो है सहपाठी होने के नाते एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। रवि एक गरीब जो है किसान का बेटा तो है जिसकी अपने बेटे के बारे में मासूम उम्मीदों ने प्रेरित किया और वास्तव में उसे अमेरिका में अच्छी जो है कमाई करने का लक्ष्य रखने के लिए दबाव भी डाला गया था उनके ऊपर। लेकिन दोस्तों उनमें से एक जो है सहपाठी अजय ऋषि से बहुत ज़्यादा दुश्मनी करता था क्योंकि बाद में पढ़ाई में उससे आगे निकल गया था, जबकि पूजा ने ऋषि को उसके जो है विशिष्ट भारतीय संयुक्त परिवार से परिचित करना और इसके अलावा जो है प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने भावनाओं को व्यक्तित किया था। दोस्तों अपने भावनाओं को व्यक्तित किया रवि पहले जो है सेमेस्टर की परीक्षा में फेल तो हो गया, जबकि दोस्तों दूसरी तरफ ऋषि ने इसमें पहली रैंक हासिल कर ली। पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं में 2 बैंक के लोन मिलने पर रवि उदास हो गया, लेकिन ऋषि ने उसे खुद पर जो है भरोसा करने और अपने पिता से प्रेरित होने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन दोस्तों इससे निराश नहीं होना पड़ा क्योंकि कैंपस जो है प्लेसमेंट के दौरान रवि ने अपने पिता जो है प्रेमिका पल्लवी और बाद के पिता रवि के पिता के एक अच्छे दोस्त को जो है संपन्न और प्रश्न करते हुए एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों इधर पूजा ने अमेरिका में ऋषि के साथ रहने के लिए इन्फोसिस में एक नौकरी को स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्होंने अपने जो है AI जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के विचार के लिए ओरिजिन को एक प्रस्ताव दिया था जिसे जो है स्वीकार कर लिया गया था। अब दोस्तों इधर आपको बता दें हालांकि ऋषि ने सुझाव दिया था कि उन्हें और पूजा को अपने रिश्ते को समाप्त कर देना चाहिए था क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनके करियर के लिए एक बाधा बन जाएगी और कहा कि वह उनके दिल में एक बोझ नहीं बनना चाहता है। ये सुनकर कि वह चली जाती है। जब रवि ने ऋषि को पूजा से नाता तोड़ने के लिए पकड़ने की कोशिश की तो लेकिन इससे उनके बीच जो है अनबन हो गया। जैसे ही अंतिम जो है सेमेस्टर की परीक्षाएं आई वहाँ पे नतीजतन आई कि ऋषि पर जो है प्रश्न पत्र चुराने का आरोप लगाया गया जो वास्तव में अजय धारा उसे जो परीक्षा देने से रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। दोस्तों एक साजिश रचा गया था हालांकि एक जो है सुराग मिलने पर जिसने जो है ऋषि के खिलाफ आरोप को गलत साबित कर दिया। पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अपनी परीक्षाओं को पूरा करने के बाद ऋषि न्यूयॉर्क के शहर चले गए और रैंकों के माध्यम से मूल में एक अग्रणी जो है कार्यकारी बन गए। अपनी परियोजना के बारे में अपनी जो प्रस्तुति के दौरान ऋषि को पता चला कि उनके पिता उनकी बीमारी के कारण नींद में चल बसे और वह भारत लौट आया केवल ये महसूस करने के लिए कि उनके पिता उन्हें किसी भी चीज से अधिक प्यार करते थे और उन्हें याद करते थे। क्योंकि दोस्तों ऋषि जो है मुश्किल से ही उनके साथ बात करते थे। पिता से दिल से बात न कर पाने के कारण जो ऋषि ने काफी ज्यादा अपने अंदर जो घबराहट और व्याकुलता को एक साथ महसूस किया। बाद में वर्तमान समय में ऋषि ने रवि के बारे में चंद्रशेखर से पूछताछ की। इसके बाद पूर्व ने खुलासा किया कि रवि को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उसने ऋषि के खिलाफ आरोप लगाने का दोष अपने ऊपर लिया था और दोस्तों जिससे उसके पिता को आत्महत्या करनी पड़ी थी। तबाह और बर्बाद हो गया। यहाँ पे अपनी माँ द्वारा सलाह दिए जाने पर ऋषि एक लंबी अवधि की छुट्टी लेता है और रवि को यूएसए ले जाने के लिए उसके और कन्या के साथ भारत के लिए उड़ान भरता है। वह अपने पैतृक के गांव रामावर में रवि से मिलने आता है। अकेले एक पाइपलाइन परिवहन यानी कि एक पाइपलाइन जो है परिवहन परियोजना के खिलाफ विरोध करता है रवि। लेकिन दोस्तों रामावरम गांव के विद्वान की आवश्यकता होती है जबकि पल्लवी के पिता गांव के प्रतिनिधि हो गए हैं। गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं लेकिन असहाय हैं। गांव वालों को छोड़ी जाने वाली जो है जमीन के लिए उचित मूल्य के लिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रवि कभी नहीं चाहता है कि परियोजना यहां पे खड़ी हो लेकिन दोस्तों ऋषि को यह महसूस हुआ कि रवि कभी भी गांव छोड़ना नहीं चाहेगा लेकिन उनके विरोध के लिए कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा था। तब ऋषि ये महसूस करते हुए कि रवि कभी भी उनके साथ नहीं जाएगा उसे दिलाने का फैसला करता है जो वह चाहता है। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने जाता है जहां पे जो दावा करते हैं कि वह सबसे प्रभावशाली व्यवसायियों में से एक के रूप में असहाय है। विवेक मित्तल परियोजना को संभालते हुए नजर आते हैं। उसके बाद में इधर दोस्तों ऋषि विवेक से मिलने आते हैं और उनसे रामावरम को बाहर करने का अनुरोध करते हैं लेकिन उन्होंने उपकृत करने से इनकार कर दिया। ऋषि अपने कार्यक्रम का प्रबंध करने के लिए रामावरम गांव में एक कार्यालय स्थापित करने की मीडिया को बताता है। स्थापित करने के लिए मीडिया को खबर देता और मीडिया के ध्यान को आकर्षित करते हैं और एक प्रतिष्ठित यानी कि वीडियो गेमिंग कंपनी में एक टीम लीडर पूजा को ऋषि से मिलने और सहयोग के लिए बातचीत करने के लिए भेजा जाता है। एक साथ दोस्तों रामावरम भेजे जाते हैं गांव में लेकिन बहाने बनाकर ऋषि उससे पूछताछ और उसका सहयोगी जो है रामावरम में रहते हैं और उसके वीडियो गेम के विचार पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों इससे ये पता चला और उन दोनों में सुलह हो गया। सुलह करने का इरादा दोनों रखते हैं लेकिन पूजा का ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं है क्योंकि उसका दिल पहले से ही टूट गया था और मजबूरी में वही कहती है जब जो है ऋषि मीडिया को बताता है कि उसने अपने जो है दोस्त के लिए अपना ऑफिस बनाया तो मीडिया रवि से ऋषि के साथ जाने से इनकार करने के वजह पूछे जाते हैं और रवि ने अपने पैतृक गांव के प्रति अपने जो है लगाव को प्रकट किया और कई अन्य जो है ग्रामीणों को राष्ट्रव्यापी ध्यान आकर्षित करने वाले विरोध में शामिल कर लिया था। इन विरोधों में शामिल किया और पहल करने के लिए प्रेरित किया गया था। पल्लवी के पिता जो अपने पिता की मौत के लिए रवि को दोषी मानते हैं अब जो है पल्लवी के पास उनके रिश्ते के खिलाफ कोई भी चीज नहीं बची हुई है। इस बारे में जानने पर ऋषि ने पल्लवी के पिता से बात की और उन्हें रवि के बलिदान के बारे में अवगत कराया जिससे पल्लवी के पिता ने रवि के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करने का फैसला किया। इसके जो है एक यानी कि के कारण पूजा ऋषि के साथ सुलह करने का फैसला तो कर लेती है जबकि कई अन्य जो है गांव विरोधी में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों इधर विवेक विरोध के कारण जो है परेशानी को भांपते हुए रामावरम गांव पहुंचता है और वहां पे अहंकार से बाहर होकर प्रदर्शनकारियों के बीच लोगों के एक समूह को आकर्षित करने के लिए एक उच्च मुआवजे का हवाला देने का फैसला करता है। नतीजतन दोस्तों रवि को एक पड़ोसी गाँव के मुखिया के गुंडों द्वारा चाकू मार दिया जाता है जिसे जो है विवेक द्वारा रिश्वत दी जाती है लेकिन ऋषि उसे जो है हत्या होने से बचा लेता है और उसे जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विवेक एक स्वच्छता कार में ऋषि पर उनसे जो है परियोजना में हिस्सा मांगने का फैसला तो करता है और ये दावा करता है कि उनकी अस्वीकृति के परिणाम स्वरूप रवि का उपयोग करना शुरू कर दिया गया। वह ये सवाल करता है कि इतने साल ऋषि कहाँ थे और विरोध करने पर रवि को क्यों याद किया जाता है। पूजा भी ऋषि के इरादों पर शक करती है और उसे रवि की स्थिति के लिए दोषी ठहराती है और बताती है कि वह जो है थोड़ा भी नहीं बदला है जिससे जो है उसका दिल सबसे ज़्यादा टूटा और उसने जो है गांव छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उनकी मां ने ऋषि को यह बताकर जो है प्रोत्साहित किया कि सत्यनारायण असफल नहीं थे। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की और इसके लिए उन्होंने चयनित हुए थे। इस चीज़ को लेकर इसके बाद दोस्तों अपनी यूपीएससी परीक्षा जो है उत्तीर्ण की और स्वच्छता कार्य के दौरान उन्होंने कहा था, लेकिन दबे हुए यानी कि कुचले और किसानों के पक्ष में विरोध करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों गिरफ्तार होने के बाद अयोग्य जो है घोषित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी यानी कि पछतावा नहीं किया और इसे जो है असफल माना, क्योंकि ये एक अच्छे कारण के लिए थे। ऋषि ने जो काम शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए वह रमावरम वापस चला जाता है और एक किसान उसे जो है खेती करने के लिए प्रेरित करता है। ऋषि विवेक की तुलना में अधिक जो है कीमत का हवाला देते हुए ऋषि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने वाले किसानों को जमीन भी यानी कि पट्टे पर देता है। बाद में एक प्रेस मीट में ऋषि ने दिल दहला देने वाला भाषण दिया, जिससे सभी का ध्यान उसके तरफ चला जाता है। दोस्तों इस बयान में उन्होंने बताया कि कैसे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और कई लोग जो इससे परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। किसान अपनी ज़मीन के मूल्य का एहसास करते हैं और बता दें पाइपलाइन परियोजना के साथ जाने से इनकार करते हैं। पूजा जो है उनके भाषण को देखकर जो है ऋषि के साथ सुलह कर लिया और अजय जिसे जो है अब अपनी गलती का एहसास हो गया और वह एक प्रमुख बैंक अधिकारी बन गया है। परियोजना शुरू करने और भूमि अधिग्रहण करने के पीछे जो है कर्ज से बचने के लिए विवेक के धोखेधारी का इरादों को उजागर किया गया और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि परियोजना को रोक दिया गया है और विवेक को गिरफ्तार कर लिया जाता है फिल्म के अंत में। इधर दोस्तों ऋषि के लिए अपनी नौकरी पर वापस अमेरिका जाने का समय आ गया है, लेकिन वह नहीं जाने का फैसला करता और यह महसूस करते हुए कि उसकी खुशी गांव में है और वह कृषि में जाने का फैसला कर लेता है। और दोस्तों ये मूवी की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों महर्षि फिल्म की कहानी ये है। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो आप इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें साल 2014 में युवेडू फिल्म रिलीज होने के बाद सफलतापूर्वक जो है निर्माण करने के बाद दिलराजू ने श्री वेंकटेश क्रिएशंस के साथ काम करने का फैसला किया, लेकिन दोस्तों 2018 की शुरुआत में वमशी पेड्डिपल्ली के साथ अपने जो चौथे सहयोग की घोषणा की। 9 अगस्त 2018 को महर्षि शीर्षक की पुष्टि होने से पहले फिल्म को संभावित जो है शीर्ष SSMB 25 के तहत लॉन्च किया गया था पहले, लेकिन दोस्तों फिल्म के पटकथा लेखन के बारे में फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने बात करते हुए वामसी सर से ये कहा था कि फिल्म की पटकथा लिखते समय सबसे कठिन जो है भागों में से एक नायक की यात्रा वाली भाग थी और हम बिल्कुल जो है स्पष्ट थे कि हम एक कहानी नहीं बताने जा रहे थे और यहाँ पर कहानी के बारे में ये भी अर्थ बायोपिक की तरह कहा गया था। दोस्तों शुरू से ही एक नायक की तरह चरित्र का इलाज नहीं करना चाहते थे। ये एक ऐसे चरित्र के बारे में है जो अंत में नायक बन जाता है। लेकिन दोस्तों लंबे समय तक फिल्म की कहानी पर काम करने के बाद फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्मांकन के बारे में एक संक्षिप्त में ये भी कहा गया था और फिल्म के शेड्यूल में हैदराबाद, गोवा में और कई जगहों पर मूवी के शेड्यूल तैयार किए गए थे। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस फिल्म को पहले रवाना किया गया। दूसरे शेड्यूल में फिल्म का प्रमुख हिस्सा जो है न्यूयॉर्क में शूट किया गया। यहाँ पे यूएस शेड्यूल में देरी के बाद इसे एक क्षेत्र में फिल्मांकन नवंबर 2018 में पूरा कर लिया गया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे जल्द ही टीम ने हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग फिर से शुरू कर दी, जहाँ एक काल्पनिक गाँव का सेट बनाया गया था। वामसी सर ने शुरू में एक वास्तविक गाँव में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई थी, लेकिन दोस्तों बाद में इसे एक सेट में शूट करने का ही फैसला किया गया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने महसूस किया था कि वास्तविक स्थान पर भीड़ को नियंत्रित करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इस फिल्म को वास्तविक गांव में शूट नहीं किया गया और दोस्तों ये बताया गया था कि सेट का निर्माण 8 करोड़ की लागत से किया गया। शेड्यूल दिसंबर 2018 के तीसरे हफ्ता तक चला। टीम ने तब जो है संक्षिप्त ब्रेक लिया, जिसमें जो है महेश बाबू और उनका परिवार एक छोटी सी छुट्टी के लिए रवाना हुए थे। जनवरी 2019 के दूसरे हफ्ता में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और आपको बता दें शेड्यूल जो है पोल्लाची तमिलनाडु में हुआ था, जहां पे उसी महीने में पूरा किया गया था शूटिंग। अगले शेड्यूल के बारे में हम बात करें तो फरवरी 2019 में हुआ था। फरवरी में श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने ये घोषणा किया 2 गानों को छोड़कर फिल्मांकन 15 मार्च 2019 तक पूरा हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोस्तों 6 मार्च 2019 को दिलराजू ने घोषणा किया था कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया जाएगा। फिल्म को 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। महर्षि को 8 मार्च 2019 को भारत में आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। यहाँ फैंस बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस प्रकार दोस्तों ये फिल्म उस समय की पहली तेलुगु फिल्म बन गई जिसकी बड़ी स्क्रीन गिनती हुई थी। फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले 8 मार्च 2019 को आयकर विभाग के कुछ अधिकारी ने हैदराबाद में दिलराजू के कार्यालय और उनके घर पर छापा मारा। फिल्म को 2020 में तमिल वर्जन में रिलीज किया गया, जहाँ पे कन्नड़ बीरा महर्षि के रूप में मलयालम में भी इस फिल्म को ड्रॉप किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के पूर्व रिलीज व्यवसाय जिसमें थिएटर, विदेशी उपग्रह, डिजिटल और संगीत और डबिंग अधिकार शामिल था, 150 करोड़ में बेचा गया था। फिल्म के विश्वव्यापी नाट्य अधिकार 100 करोड़ में बेचा गया था। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों महर्षि फिल्म को आलोचकों से काफी शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिला। रिलीज होने के बाद फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं देखने को मिला है। द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, महर्षि के दिल में एक ऐसी कहानी है जिसे एक सामूहिक सामाजिक नाटक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की परिवर्तनकारी यात्रा का भी इसमें एक पता लगाया गया, लेकिन ये क्या हो सकता था, इसके बीच एक बड़ा अंतर है और ये क्या है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि इसे केवल महेश बाबू और अल्लारी नरेश के प्रदर्शन के लिए नहीं देखे बल्कि कहानी के लिए भी इस फिल्म को देखे। अगर आपको इसके साथ आने वाली सभी घंटियों और सीटियों पर ध्यान नहीं हो सकता है तो इस फिल्म की कहानी आपको अच्छी लगेगी, इसके कारण हम आपको बतला सकते हैं, क्योंकि कहानी के अंदर आपको एक शानदार सीन देखने को मिलता है। एक अमेरिका में बड़ी नौकरी होने के बावजूद भी फिल्म का हीरो गांव में रहने की फैसला करता है और किसानों की मदद करने की कोशिश करता है। ये चीज़ इस फिल्म में काफ़ी मायने रखती है। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखते हुए आपको बता दें, कार्तिक कुमार ने कहा था, महर्षि बड़े विचार वाली एक समस्याग्रस्त फिल्म है, लेकिन यह दिल को झकझोर देता है। आपको बता दें खेती के उप कथानों को बाहर निकाले और महर्षि एक थकाऊ घड़ी होती है इस चीज़ में, क्योंकि इसमें ऋषि सिर्फ अपने सांस चुप नहीं होता और आपको बता दें सफलता पर उपदेश भी देता है। सीफी ने इस फिल्म के वर्णन करते हुए वक्त ये कहा, अवधि की आलोचना की समीक्षक ने यह महसूस किया था कि फिल्म की कहानी पूर्वानुमेय है और इसके अलावा मौलिकता का कोई भी अंश नहीं है। उन्होंने कहा, दूसरे भाग के बारे में हम बात करें तो पूरी तरह से असंतुष्ट है और आपको बता दें भावनात्मक कोर और विश्वसनीय भी है। साथ ही साथ दोस्तों साक्षी पोस्ट ने कहा था कि बाबू और नरेश का अभिनय, प्रदर्शन और निर्देशन फिल्म की सशस्त्र कार है, क्योंकि जबकि देवी का साउंड एड और खराब पटकथा फिल्म की कमियां को काफी ज्यादा अच्छी तरह से महसूस करवाता है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होता, क्योंकि दोस्तों News 18 ने कहा, महर्षि मलबे और लक्ष्यहीन कारण के बीच में आराम और खुशी की भावना का अनुभव भी करता है। इंडिया टुडे ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार दिया और कहा, महर्षि की कई उप भूखंडों के बीच एक भावपूर्ण कहानी है। अगर केवल ये कुरकुरा और बिंदु तक जाता था तो यदि केवल महेश बाबू की महर्षि अपनी मातृभूमि में वापस आने वाले एक व्यवसायी टाइकोनिक के बारे में है। उनका यहाँ एक बड़ा उद्देश्य है। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने सिनेमेटोग्राफी, मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन और फिल्म स्कोर की प्रशंसा करते हुए कहा कि महर्षि एक सुविचारित नाटक वाली मूवी है और दोस्तों इसमें कुछ खूबसूरती से लिखे गए दृश्य है। हालांकि बहुत सी चीज़ों पर वापस रखा गया है जो वह इतने लंबे समय तक कहना चाहते हैं। यह आपको कई बार बेचैन करता है। जहां डेक्कन क्रॉनिकल के एक आलोचक ने भी सिनेमेटोग्राफी, प्रमुख अभिनेताओं के प्रदर्शन और फिल्म के स्कोर की प्रशंसा की और 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी। इसके बारे में कहा, द इंडियन एक्सप्रेस के गब्बेटा जहाँ पे रंजीत कुमार ने अंतिम फैसला देते हुए फिल्म को वीर को खुश करने वाला बताया। वमशी पेड्डिपल्ली भावनात्मक रूप से गहन विषय को अच्छी तरह से संभालते ये भी कहा, लेकिन दोस्तों निर्देशक महर्षि मूवी के रन टाइम पर अधिक ध्यान भी दिया गया था। यहाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। आइए दोस्तों महर्षि मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओपनिंग डे पर महर्षि फिल्म ने 59 करोड़ से अधिक की संग्रह किया। भारत के तेलुगु भाषी राज्यों में इसने 33 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और वितरकों का शेयर संग्रह किया 24 करोड़ में। अपने शुरुआती दिन में फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 5,11,000 से अधिक की कमाई किया डॉलर में, जो इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो 3 करोड़ से अधिक हो जाती है। ऑस्ट्रेलियन फिल्म ने 1 लाख से अधिक की कमाई किया था डॉलर में और दोस्तों चेन्नई में 23 लाख से अधिक की कमाई की। अपने रिलीज के दूसरे दिन फिल्म ने आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 32 करोड़ से अधिक की कमाई किया। 3 दिनों में फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पे 11 लाख से अधिक की कमाई कर लिया था। इसी के साथ दोस्तों पहले 20 तारीख हफ्ता में गुरुवार को रिलीज में फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक की कमाई किया और 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। अपने पहले हफ्ते के अंत तक फिल्म ने बेंगलुरु में 3 करोड़ से अधिक की वितरकों का शेयर अर्जित कर लिया था, जहां पे 5वें दिन इसने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। इस क्षेत्र में कुल मिला के 75 करोड़ सकल संग्रह शामिल है, जिसकी वजह से 53 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। अपने रिलीज के छठे दिन इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.5 लाख से अधिक की कमाई की थी, जिससे ये बाबू के करियर में इस भूमिका को पार करने वाली छठी फिल्म बन गई थी। 7 दिनों में इसने संयुक्त अरब इमारात के बॉक्स ऑफिस पे 8 करोड़ से अधिक की कमाई की। 11 दिनों में फिल्म ने तेलुगु भाषी राज्यों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 72 करोड़ से अधिक की कमाई की। थिएटर में अपने प्रदर्शन के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर में 187 करोड़ से अधिक की कमाई किया और एक जगह पे भी बताया गया है कि 200 करोड़ से अधिक की कमाई इस फिल्म ने किया है। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है महर्षि फिल्म को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू के साथ इस फिल्म में पूजा हेगड़े अभिनय करती हुई दिखाई दी थी। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में अल्लारी नरेश भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इस फिल्म की संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो देवी श्री प्रसाद द्वारा फिल्म के गाने को तैयार किया गया था। और दोस्तों ये मूवी 9 मई 2019 को रिलीज हुई थी। साथ ही साथ महर्षि फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा मिली रिलीज होने के बाद। हालांकि दोस्तों फिल्म के कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन सीक्वेंस और फिल्म की कथानक, फिल्म के भावनात्मक भागफल और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा भी किया गया था रिलीज होने के बाद। लेकिन दोस्तों ये फिल्म रिलीज होने से पहले इसकी भविष्यवाणी भी की गई थी, इसके बारे में आप लोग को नहीं पता होगा। और दोस्तों ये बताया गया था कि ये फिल्म लंबी कथा के लिए आलोचना की गई थी। दुनिया भर में ये मूवी 175 करोड़ से लेकर 200 करोड़ से अधिक की कमाई किया। और दोस्तों महर्षि मूवी 2019 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है। और आपको बता दें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक में ये मूवी शुमार है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी हिट होने के बाद 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में इस फिल्म को दोस्तों संपूर्ण मनोरंजन करने वाली और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार इस मूवी को दिया गया था। यहाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना। आइए दोस्तों अब बात करते हैं महर्षि फिल्म की कहानी के बारे में। बहुत सारे लोग इस फिल्म की कहानी को देखने के बाद भी फिल्म को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस फिल्म की कहानी क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों बता दें ऋषि कुमार को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित की गई एक जो है समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है। वो अपनी माँ को भारत से अपने साथ रहने के लिए लेकर आए हैं। प्रिया उनके सहयोगी ने उन्हें आश्चर्य चर्कित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन किया है उनके बताए बिना। दोस्तों इस पार्टी को चुपके से फीड किया गया है, जिसमें उनके करीबी बचपन के दोस्त कन्ना जो कुछ वर्षों से उनसे नहीं मिले थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त जो है शामिल होंगे उस पार्टी के अंदर। लेकिन दोस्तों पूरे 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद में एक मध्यम वर्गीय एकल जो है परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता सत्यनारायण एक निजी निगम में एक क्लर्क के रूप में काम किया करते थे। परिणाम स्वरूप एक दिन ये हुआ कि ऋण उन्होंने बहुत ज्यादा ले लिया बैंक से, जिसकी विफलता के कारण ऋषि के साथ जो है अच्छे संबंध नहीं हुआ करते थे। दोस्तों इन सभी चीजों से ऋषि परेशान हो चुके थे, लेकिन ऋषि ने विजाग में स्थित एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठित विद्यालय आईटी में अपना स्नातक कोर्स पूरा करने के लिए प्रवेश प्राप्त किया। लेकिन दोस्तों इसीलिए उन्हें जो स्थानांतरित करना पड़ा क्योंकि ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सभी जो है सहपाठी होने के नाते एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। रवि एक गरीब जो है किसान का बेटा तो है जिसकी अपने बेटे के बारे में मासूम उम्मीदों ने प्रेरित किया और वास्तव में उसे अमेरिका में अच्छी जो है कमाई करने का लक्ष्य रखने के लिए दबाव भी डाला गया था उनके ऊपर। लेकिन दोस्तों उनमें से एक जो है सहपाठी अजय ऋषि से बहुत ज़्यादा दुश्मनी करता था क्योंकि बाद में पढ़ाई में उससे आगे निकल गया था। जबकि पूजा ने ऋषि को उसके जो है विशिष्ट भारतीय संयुक्त परिवार से परिचित करना और इसके अलावा जो है प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने भावनाओं को व्यक्तित किया था। दोस्तों अपने भावनाओं को व्यक्तित किया। रवि पहले जो है सेमेस्टर की परीक्षा में फेल तो हो गया, जबकि दोस्तों दूसरी तरफ ऋषि ने इसमें पहली रैंक हासिल कर ली। पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं में 2 बैंक लोन मिलने पर रवि उदास हो गया, लेकिन ऋषि ने उसे खुद पर जो है भरोसा करने और अपने पिता से प्रेरित होने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन दोस्तों इससे निराश नहीं होना पड़ा क्योंकि कैंपस जो है प्लेसमेंट के दौरान रवि ने अपने पिता जो है प्रेमिका पल्लवी और बाद के पिता रवि के पिता के एक अच्छे दोस्त को जो है संपन्न और प्रश्न करते हुए एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों इधर पूजा ने अमेरिका में ऋषि के साथ रहने के लिए इन्फोसिस में एक नौकरी को स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्होंने अपने जो है एआई जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के विचार के लिए ओरिजिन को एक प्रस्ताव दिया था जिसे जो है स्वीकार कर लिया गया था। अब दोस्तों इधर आपको बता दें, हालांकि ऋषि ने सुझाव दिया था कि उन्हें और पूजा को अपने रिश्ते को समाप्त कर देना चाहिए था क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनके करियर के लिए एक बाधा बन जाएगी और कहा कि वह उनके दिल में एक बोझ नहीं बनना चाहता है। ये सुनकर कि वह चली जाती है। जब रवि ने ऋषि को पूजा से नाता तोड़ने के लिए पकड़ने की कोशिश की तो लेकिन इससे उनके बीच जो है अनबन हो गया। जैसे ही अंतिम जो है सेमेस्टर की परीक्षाएं आई वहाँ पे नतीजतन आई कि ऋषि पर जो है कि प्रश्न पत्र चुराने का आरोप लगाया गया, जो वास्तव में अजय धारा उसे जो है परीक्षा देने से रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। दोस्तों एक साजिश रचा गया था। हालांकि एक जो है सुराग मिलने पर जिसने जो है ऋषि के खिलाफ आरोप को गलत साबित कर दिया। पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अपनी परीक्षाओं को पूरा करने के बाद ऋषि न्यूयॉर्क के शहर चले गए और रैंकों के माध्यम से मूल में एक अग्रणी जो है कार्यकारी बन गए। अपनी परियोजना के बारे में अपनी जो प्रस्तुति के दौरान ऋषि को पता चला कि उनके पिता उनकी बीमारी के कारण नींद में चल बसे और वह भारत लौट आया केवल ये महसूस करने के लिए कि उनके पिता उन्हें किसी भी चीज से अधिक प्यार करते थे और उन्हें याद करते थे। क्योंकि दोस्तों ऋषि जो है मुश्किल से ही उनके साथ बात करते थे। पिता से दिल से बात न कर पाने के कारण जो ऋषि ने काफी ज्यादा अपने अंदर जो घबराहट और व्याकुलता को एक साथ महसूस किया। बाद में वर्तमान समय में ऋषि ने रवि के बारे में चंद्रशेखर से पूछताछ की, जिसके बाद पूर्व ने खुलासा किया कि रवि को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उसने ऋषि के खिलाफ आरोप लगाने का दोष अपने ऊपर लिया था और दोस्तों जिससे उसके पिता को आत्महत्या करनी पड़ी थी। तबाह और बर्बाद हो गया। यहाँ पे अपनी माँ द्वारा सलाह दिए जाने पर ऋषि एक लंबी अवधि की छुट्टी लेता है और रवि को यूएसए ले जाने के लिए उसके और कन्या के साथ भारत के लिए उड़ान भरता है। वह अपने पैतृक के गांव रामावर में रवि से मिलने आता है। अकेले एक पाइपलाइन परिवहन यानी कि एक पाइपलाइन जो है परिवहन परियोजना के खिलाफ विरोध करता है रवि। लेकिन दोस्तों रामावरम गांव के विद्वांस की आवश्यकता होती है जबकि पल्लवी के पिता गांव के प्रतिनिधि हो गए हैं। गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं लेकिन असहाय हैं। गांव वालों को छोड़ी जाने वाली जो है जमीन के लिए उचित मूल्य के लिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रवि कभी नहीं चाहता है कि परियोजना यहां पे खड़ी हो। लेकिन दोस्तों ऋषि को यह महसूस हुआ कि रवि कभी भी गांव छोड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन उनके विरोध के लिए कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा था। तब ऋषि ये महसूस करते हुए कि रवि कभी भी उनके साथ नहीं जाएगा, उसे वह दिलाने का फैसला करता है जो वह चाहता है। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने जाता है जहाँ पे जो दावा करते हैं कि वह सबसे प्रभावशाली व्यवसायियों में से एक के रूप में असहाय है। विवेक मित्तल परियोजना को संभालते हुए नजर आते हैं। उसके बाद में इधर दोस्तों ऋषि विवेक से मिलने आते हैं और उनसे रमावरम को बाहर करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन उन्होंने उपकृत करने से इनकार कर दिया। ऋषि अपने कार्यक्रम का प्रबंध करने के लिए रामावरम गांव में एक कार्यालय स्थापित करने की मीडिया को बताता है। स्थापित करने के लिए मीडिया को खबर देता और मीडिया के ध्यान को आकर्षित करते हैं और एक प्रतिष्ठित यानी कि वीडियो गेमिंग कंपनी में एक टीम लीडर पूजा को ऋषि से मिलने और सहयोग के लिए बातचीत करने के लिए भेजा जाता है। एक साथ दोस्तों रामावरम भेजे जाते हैं गांव में, लेकिन बहाने बनाकर ऋषि उससे पूछताछ और उसका सहयोगी जो है रामावरम में रहते हैं और उसके वीडियो गेम के विचार पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों इससे ये पता चला और उन दोनों में सुलह हो गया। सुलह करने का इरादा दोनों रखते हैं, लेकिन पूजा का ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं है क्योंकि उसका दिल पहले से ही टूट गया था और मजबूरी में वही कहती है। जब जो है ऋषि मीडिया को बताता है कि उसने अपने जो है दोस्त के लिए अपना ऑफिस बनाया, तो मीडिया रवि से ऋषि के साथ जाने से इनकार करने के वजह पूछे जाते हैं और रवि ने अपने पैतृक गांव के प्रति अपने जो है लगाव को प्रकट किया और कई अन्य जो है ग्रामीणों को राष्ट्रव्यापी ध्यान आकर्षित करने वाले विरोध में शामिल कर लिया था। इन विरोधों में शामिल किया और पहल करने के लिए प्रेरित किया गया था। पल्लवी के पिता जो अपने पिता की मौत के लिए रवि को दोषी मानते हैं, अब जो है पल्लवी से पल्लवी के पास उनके रिश्ते के खिलाफ कोई भी चीज़ नहीं बची हुई है। इस बारे में जानने पर ऋषि ने पल्लवी के पिता से बात की और उन्हें रवि के बलिदान के बारे में अवगत कराया, जिससे पल्लवी के पिता ने रवि के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करने का फैसला किया। इसके जो है एक यानी कि कृत्य के कारण पूजा ऋषि के साथ सुलह करने का फैसला तो कर लेती है, जबकि कई अन्य जो है गांव विरोधी में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों इधर विवेक विरोध के कारण जो है परेशानी को भांपते हुए रामावरम गांव पहुंचता है और वहां पे अहंकार से बाहर होकर प्रदर्शनकारियों के बीच लोगों के एक समूह को आकर्षित करने के लिए एक उच्च मुआवजे का हवाला देने का फैसला करता है। नतीजतन दोस्तों रवि को एक पड़ोसी गाँव के मुखिया के गुंडों द्वारा चाकू मार दिया जाता है, जिसे जो है विवेक द्वारा रिश्वत दी जाती है, लेकिन ऋषि उसे जो है हत्या होने से बचा लेता है और उसे जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विवेक एक स्वच्छता कार में ऋषि पर उनसे जो है परियोजना में हिस्सा मांगने का फैसला तो करता है और ये दावा करता है कि उनकी अस्वीकृति के परिणाम स्वरूप रवि का उपयोग करना शुरू कर दिया गया। वह ये सवाल करता है कि इतने साल ऋषि कहाँ थे और विरोध करने पर रवि को क्यों याद किया जाता है। पूजा भी ऋषि के इरादों पर शक करती है और उसे रवि की स्थिति के लिए दोषी ठहराती है और बताती है कि वह जो है थोड़ा भी नहीं बदला है, जिससे जो है उसका दिल सबसे ज़्यादा टूटा और उसने जो है गांव छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उनकी माँ ने ऋषि को यह बताकर जो है प्रोत्साहित किया कि सत्यनारायण असफल नहीं थे, उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की और इसके लिए उन्होंने चयनित हुए थे। इस चीज़ को लेकर इसके बाद दोस्तों अपनी यूपीएससी परीक्षा जो है उत्तीर्ण की और स्वच्छता कार्य के दौरान उन्होंने कहा था, लेकिन दबे हुए यानी कि कुतले और किसानों के पक्ष में विरोध करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों गिरफ्तार होने के बाद अयोग्य जो है घोषित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी यानी कि पछतावा नहीं किया और इसे जो है असफल माना क्योंकि ये एक अच्छे कारण के लिए थे। ऋषि ने जो काम शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए वह रामावरम वापस चला जाता है और एक किसान उसे जो है खेती करने के लिए प्रेरित करता है। ऋषि विवेक की तुलना में अधिक जो है कीमत का हवाला देते हुए ऋषि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने वाले किसानों को जमीन भी यानी कि पट्टे पर देता है। बाद में एक प्रेस मीट में ऋषि ने दिल दहला देने वाला भाषण दिया, जिससे सभी का ध्यान उसके तरफ चला जाता है। दोस्तों इस बयान में उन्होंने बताया कि कैसे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और कई लोग जो इससे परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। किसान अपनी ज़मीन के मूल्य का एहसास करते हैं और बता दें पाइपलाइन परियोजना के साथ जाने से इनकार करते हैं। पूजा जो है उनके भाषण को देखकर जो है ऋषि के साथ सुलह कर लिया और अजय जिसे जो है अब अपनी गलती का एहसास हो गया और वह एक प्रमुख बैंक अधिकारी बन गया है। परियोजना शुरू करने और भूमि अधिग्रहण करने के पीछे जो है कर्ज से बचने के लिए विवेक के धोखेधारी का इरादों को उजागर किया गया और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि परियोजना को रोक दिया गया है और विवेक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिल्म के अंत में इधर दोस्तों ऋषि के लिए अपनी नौकरी पर वापस अमेरिका जाने का समय आ गया है, लेकिन वह नहीं जाने का फैसला करता और यह महसूस करते हुए कि उसकी खुशी गांव में है और वह कृषि में जाने का फैसला कर लेता है। और दोस्तों ये मूवी की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों महर्षि फिल्म की कहानी ये है। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो आप इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें साल 2014 में वेंटू फिल्म रिलीज होने के बाद सफलतापूर्वक जो है निर्माण करने के बाद दिलराजू ने श्री वेंकटेश क्रिएशंस के साथ काम करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों 2018 की शुरुआत में वमशी पेड्डेपाल्ली के साथ अपने जो चौथे सहयोग की घोषणा की। 9 अगस्त 2018 को महर्षि शीर्षक की पुष्टि होने से पहले फिल्म को संभावित जो है शीर्ष SSMB 2.5 के तहत लॉन्च किया गया था पहले। लेकिन दोस्तों फिल्म के पटकथा लेखन के बारे में फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने बात करते हुए वमशी सर से ये कहा था कि फिल्म की पटकथा लिखते समय सबसे कठिन जो है भागों में से एक नायक की यात्रा वाली भाग थी और हम बिल्कुल जो है स्पष्ट थे कि हम एक कहानी नहीं बताने जा रहे थे। और यहाँ पर कहानी के बारे में ये भी अर्थ बायोपिक की तरह कहा गया था। दोस्तों शुरू से ही एक नायक की तरह चरित्र का इलाज नहीं करना चाहते थे। ये एक ऐसे चरित्र के बारे में है जो अंत में नायक बन जाता है। लेकिन दोस्तों लंबे समय तक फिल्म की कहानी पर काम करने के बाद फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। फिल्मांकन के बारे में एक संक्षिप्त में ये भी कहा गया था और फिल्म के शेड्यूल में हैदराबाद, गोवा में और कई जगहों पर मूवी के शेड्यूल तैयार किए गए थे। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस फिल्म को पहले रवाना किया गया। दूसरे शेड्यूल में फिल्म का प्रमुख हिस्सा जो है न्यूयॉर्क में शूट किया गया। यहाँ पे यूएस शेड्यूल में देरी के बाद इसे एक क्षेत्र में फिल्मांकन नवंबर 2018 में पूरा कर लिया गया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे जल्द ही टीम ने हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग फिर से शुरू कर दी, जहाँ एक काल्पनिक गाँव का सेट बनाया गया था। वामजी सर ने शुरू में एक वास्तविक गांव में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई थी, लेकिन दोस्तों बाद में इसे एक सेट में शूट करने का ही फैसला किया गया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने महसूस किया था कि वास्तविक स्थान पर भीड़ को नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इस फिल्म को वास्तविक गाँव में शूट नहीं किया गया। और दोस्तों ये बताया गया था कि सेट का निर्माण 8 करोड़ की लागत से किया गया। शेड्यूल दिसंबर 2018 के तीसरे हफ्ता तक चला। टीम ने तब जो संक्षिप्त ब्रेक लिया, जिसमें जो है महेश बाबू और उनका परिवार एक छोटी सी छुट्टी के लिए रवाना हुए थे। जनवरी 2019 के दूसरे हफ्ता में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और आपको बता दें शेड्यूल जो है पोल्लाची, तमिलनाडु में हुआ था, जहां पे उसी महीने में पूरा किया गया था शूटिंग। अगले शेड्यूल के बारे में हम बात करें तो फरवरी 2019 में हुआ था। फरवरी में श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने यह घोषणा किया 2 गानों को छोड़कर फिल्मांकन 15 मार्च 2019 तक पूरा हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोस्तों 6 मार्च 2019 को दिलराजू ने घोषणा किया था कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया जाएगा। फिल्म को 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। महर्षि को 8 मार्च 2019 को भारत में आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। यहाँ फैंस बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस प्रकार दोस्तों ये फिल्म उस समय की पहली तेलुगु फिल्म बन गई जिसकी बड़ी स्क्रीन गिनती हुई थी। फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले 8 मार्च 2019 को आयकर विभाग के कुछ अधिकारी ने हैदराबाद में दिलराजू के कार्यालय और उनके घर पर छापा मारा। फिल्म को 2020 में तमिल वर्जन में रिलीज किया गया, जहाँ पे कन्नड़ बीरा महर्षि के रूप में मलयालम में भी इस फिल्म को ड्रॉप किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के पूर्व रिलीज व्यवसाय, जिसमें जो है थिएटर, विदेशी उपग्रह, डिजिटल और संगीत और डबिंग अधिकार शामिल था, 150 करोड़ में बेचा गया था। फिल्म के विश्वव्यापी नाट्य अधिकार 100 करोड़ में बेचा गया था। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों महर्षि फिल्म को आलोचकों से काफी शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिला। रिलीज होने के बाद फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं देखने को मिला है। द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, महर्षि के दिल में एक ऐसी कहानी है जिसे एक समूहक सामाजिक नाटक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की परिवर्तनकारी यात्रा का भी इसमें एक पता लगाया गया। लेकिन ये क्या हो सकता था, इसके बीच एक बड़ा अंतर है और ये क्या है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि इसे केवल जो है महेश बाबू और अल्लारी नरेश के प्रदर्शन के लिए नहीं देखे बल्कि कहानी के लिए भी इस फिल्म को देखे। अगर आपको इसके साथ आने वाली सभी घंटियों और सीटियों पर ध्यान नहीं हो सकता है तो इस फिल्म की कहानी आपको अच्छी लगेगी। इसके कारण हम आपको बतला सकते हैं क्योंकि कहानी के अंदर आपको एक शानदार सीन देखने को मिलता है। एक अमेरिका में बड़ी नौकरी होने के बावजूद भी फिल्म का हीरो गांव में रहने की फैसला करता है और किसानों की मदद करने की कोशिश करता है। ये चीज़ इस फिल्म में काफ़ी मायने रखती है। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखते हुए आपको बता दें, कार्तिक कुमार ने कहा था, महर्षि बड़े विचार वाली एक समस्याग्रस्त फिल्म है लेकिन यह दिल को झकझोर देता है। आपको बता दें, खेती के उप जो है कथानों को बाहर निकाले और महर्षि एक थकाऊ घड़ी होती है इस चीज़ में, क्योंकि इसमें ऋषि सिर्फ अपने जो है साथ चुप नहीं होता और आपको बता दें सफलता पर उपदेश भी देता है। सीफी ने इस फिल्म के वर्णन करते हुए वक्त ये कहा, अवधि की आलोचना की समीक्षक ने यह महसूस किया था कि फिल्म की कहानी जो है पूर्वानुमेय है और इसके अलावा जो है मौलिकता का कोई भी अंश नहीं है, उन्होंने कहा। दूसरे भाग के बारे में हम बात करें तो पूरी तरह से असंतुष्ट है और आपको बता दें भावनात्मक कोर और विश्वसनीय भी है। साथ ही साथ दोस्तों, साक्षी पोस्ट ने कहा था कि बाबू और नरेश का अभिनय, प्रदर्शन और निर्देशन जो है फिल्म की सशस्त्र कार है, क्योंकि जबकि जो है देवी का साउंड एड और खराब पटकथा फिल्म की कमियां को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से महसूस करवाता है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होता क्योंकि दोस्तों News 18 ने कहा, महर्षि मलबे और लक्ष्यहीन कारण के बीच में आराम और खुशी की भावना का अनुभव भी करता है। इंडिया टुडे ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार दिया और कहा, महर्षि की कई जो है उप भूखंडों के बीच एक भावपूर्ण कहानी है। अगर केवल ये कुरकुरा और बिंदु तक जाता था तो यदि केवल महेश बाबू की महर्षि अपनी जो है मातृभूमि में वापस आने वाले एक व्यवसायी जो है टाइकोनिक के बारे में है, उनका यहाँ एक बड़ा उद्देश्य है। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने सिनेमेटोग्राफी, मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन और फिल्म स्कोर की प्रशंसा करते हुए कहा कि महर्षि एक जो है सुविचारित नाटक वाली मूवी है और दोस्तों इसमें कुछ जो है खूबसूरती से लिखे गए दृश्य है। हालांकि बहुत सी चीज़ों पर जो है वापस रखा गया है जो वह इतने लंबे समय तक जो है कहना चाहते हैं। यह आपको कई बार जो है बेचैन करता है। जहां डेक्कन क्रॉनिकल के एक आलोचक ने भी सिनेमेटोग्राफी, प्रमुख अभिनेताओं के प्रदर्शन और फिल्म के स्कोर की प्रशंसा की और 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी। इसके बारे में कहा, द इंडियन एक्सप्रेस के गब्बेटा, जहाँ पे रंजीत कुमार ने अंतिम फैसला देते हुए फिल्म को वीर को खुश करने वाला बताया। वमशी पेड्डिपल्ली भावनात्मक रूप से गहन विषय को अच्छी तरह से संभालते ये भी कहा। लेकिन दोस्तों निर्देशक महर्षि मूवी के रन टाइम पर अधिक जो है ध्यान भी दिया गया था। यहाँ फैंस आपने बिल्कुल सही सुना। आइए दोस्तों, महर्षि मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओपनिंग डे पर महर्षि फिल्म ने 59 करोड़ से अधिक की संग्रह किया। भारत के तेलुगु भाषी राज्यों में इसने 33 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और वितरकों का शेयर संग्रह किया 24 करोड़ में। अपने शुरुआती दिन में फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 5,11,000 से अधिक की कमाई किया डॉलर में, जो इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो 3 करोड़ से अधिक हो जाती है। ऑस्ट्रेलियन फिल्म ने 1 लाख से अधिक की कमाई था डॉलर में और दोस्तों चेन्नई में 23 लाख से अधिक की कमाई की। अपने रिलीज के दूसरे दिन फिल्म ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 32 करोड़ से अधिक की कमाई किया। 3 दिनों में फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पे 11 लाख से अधिक की कमाई कर लिया था। इसी के साथ दोस्तों पहले 20 तारीख हफ्ता में गुरुवार को रिलीज में फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक की कमाई किया और 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। अपने पहले हफ्ते के अंत तक फिल्म ने बेंगलुरु में 3 करोड़ से अधिक की वितरकों का शेयर जो है अर्जित कर लिया था, जहां पे 5वें दिन इसने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। इस क्षेत्र में कुल मिला के 75 करोड़ सकल संग्रह शामिल है, जिसकी वजह से 53 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। अपने रिलीज के छठे दिन इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.5 लाख से अधिक की कमाई की थी, जिससे ये बाबू के करियर में इस भूमिका को पार करने वाली छठी फिल्म बन गई थी। 7 दिनों में इसने संयुक्त अरब इमारात के बॉक्स ऑफिस पे 8 करोड़ से अधिक की कमाई की। 11 दिनों में फिल्म ने तेलुगु भाषी राज्यों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 72 करोड़ से अधिक की कमाई की। थिएटर में अपने प्रदर्शन के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर में 187 करोड़ से अधिक की कमाई किया और एक जगह पे भी बताया गया है कि 200 करोड़ से अधिक की कमाई इस फिल्म ने किया है। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है महर्षि फिल्म को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू के साथ इस फिल्म में पूजा हेगड़े अभिनय करती हुई दिखाई दी थी। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में अल्लारी नरेश भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इस फिल्म की संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो देवी श्री प्रसाद द्वारा फिल्म के गाने को तैयार किया गया था। और दोस्तों ये मूवी 9 मई 2019 को रिलीज हुई थी। साथ ही साथ महर्षि फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा मिली रिलीज होने के बाद। हालांकि दोस्तों फिल्म के कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन सीक्वेंस और फिल्म की कथानक, फिल्म के भावनात्मक भागफल और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा भी किया गया था रिलीज होने के बाद। लेकिन दोस्तों ये फिल्म रिलीज होने से पहले इसकी भविष्यवाणी भी की गई थी, इसके बारे में आप लोग को नहीं पता होगा। और दोस्तों ये बताया गया था कि ये फिल्म लंबी कथा के लिए आलोचना की गई थी। दुनिया भर में ये मूवी 175 करोड़ से लेकर 200 करोड़ से अधिक की कमाई किया। और दोस्तों महर्षि मूवी 2019 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है। और आपको बता दें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक में ये मूवी शुमार है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी हिट होने के बाद 68वें राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार में इस फिल्म को दोस्तों संपूर्ण मनोरंजन करने वाली और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार इस मूवी को दिया गया था। यहाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना। आइए दोस्तों अब बात करते हैं महर्षि फिल्म की कहानी के बारे में। बहुत सारे लोग इस फिल्म की कहानी को देखने के बाद भी फिल्म को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस फिल्म की कहानी क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों बता दें ऋषि कुमार को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित की गई एक जो है समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है। वो अपनी माँ को भारत से अपने साथ रहने के लिए लेकर आए हैं। प्रिया उनके सहयोगी ने उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन किया है उनके बताए बिना। दोस्तों इस पार्टी को चुपके से फीड किया गया है जिसमें उनके करीबी बचपन के दोस्त कन्ना जो कुछ वर्षों से उनसे नहीं मिले थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त जो है शामिल होंगे उस पार्टी के अंदर। लेकिन दोस्तों पूरे 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद में एक मध्यम वर्गीय एकल जो है परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता सत्यनारायण एक निजी निगम में एक कलर के रूप में काम किया करते थे। परिणाम स्वरूप एक दिन यह हुआ कि ऋण उन्होंने बहुत ज्यादा ले लिया बैंक से, जिसकी विफलता के कारण ऋषि के साथ जो है अच्छे संबंध नहीं हुआ करते थे। दोस्तों इन सभी चीजों से ऋषि परेशान हो चुके थे। लेकिन ऋषि ने विजाग में स्थित एक जो प्रतिष्ठित विद्यालय आईटी में अपना स्नातक कोर्स पूरा करने के लिए प्रवेश प्राप्त किया। लेकिन दोस्तों इसीलिए उन्हें जो स्थानांतरित करना पड़ा क्योंकि ऋषि, उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सभी जो है सहपाठी होने के नाते एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। रवि एक गरीब जो है किसान का बेटा तो है जिसकी अपने बेटे के बारे में मासूम उम्मीदों ने प्रेरित किया और वास्तव में उसे अमेरिका में अच्छी जो है कमाई करने का लक्ष्य रखने के लिए दबाव भी डाला गया था उनके ऊपर। लेकिन दोस्तों उनमें से एक जो है सहपाठी अजय ऋषि से बहुत ज्यादा दुश्मनी करता था क्योंकि बाद में पढ़ाई में उससे आगे निकल गया था। जबकि पूजा ने ऋषि को उसके जो है विशिष्ट भारतीय संयुक्त परिवार से परिचित करना और इसके अलावा जो है प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने भावनाओं को व्यक्तित किया था। दोस्तों अपने भावनाओं को व्यक्तित किया। रवि पहले जो है सेमेस्टर की परीक्षा में फेल तो हो गया, जबकि दोस्तों दूसरी तरफ ऋषि ने इसमें पहली रैंक हासिल कर ली। पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं में 2 बैंक लोन मिलने पर रवि उदास हो गया। लेकिन ऋषि ने उसे खुद पर जो है भरोसा करने और अपने पिता से प्रेरित होने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन दोस्तों इससे निराश नहीं होना पड़ा क्योंकि कैंपस जो है प्लेसमेंट के दौरान रवि ने अपने पिता जो है प्रेमिका पल्लवी और बाद के पिता रवि के पिता के एक अच्छे दोस्त को जो है संपन्न और प्रश्न करते हुए एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों इधर पूजा ने अमेरिका में ऋषि के साथ रहने के लिए इन्फोसिस में एक नौकरी को स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्होंने अपने जो है एआई जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के विचार के लिए ओरिजिन को एक प्रस्ताव दिया था, जिसे जो है स्वीकार कर लिया गया था। अब दोस्तों इधर आपको बता दें, हालांकि ऋषि ने सुझाव दिया था कि उन्हें और पूजा को अपने रिश्ते को समाप्त कर देना चाहिए था, क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनके करियर के लिए एक बाधा बन जाएगी, और कहा कि वह उनके दिल में एक बोझ नहीं बनना चाहता है। ये सुनकर कि वह चली जाती है। जब रवि ने ऋषि को पूजा से नाता तोड़ने के लिए पकड़ने की कोशिश की तो लेकिन इससे उनके बीच जो है अनबन हो गया। जैसे ही अंतिम जो है सेमेस्टर की परीक्षाएं आई, वहाँ पे नतीश दर आई की ऋषि पर जो है कि प्रश्न पत्र चुराने का आरोप लगाया गया, जो वास्तव में अजय धारा उसे जो है परीक्षा देने से रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। दोस्तों एक साजिश रचा गया था, हालांकि एक जो है सुराग मिलने पर जिसने जो है ऋषि के खिलाफ आरोप को गलत साबित कर दिया। पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अपनी परीक्षाओं को पूरा करने के बाद ऋषि न्यूयॉर्क के शहर चले गए और रैंकों के माध्यम से मूल में एक अग्रणी जो है कार्यकारी बन गए। अपनी परियोजना के बारे में अपनी जो प्रस्तुति के दौरान ऋषि को पता चला कि उनके पिता उनकी बीमारी के कारण नींद में चल बसे और वह भारत लौट आया, केवल ये महसूस करने के लिए कि उनके पिता उन्हें किसी भी चीज़ से अधिक प्यार करते थे और उन्हें याद करते थे। क्योंकि दोस्तों ऋषि जो है मुश्किल से ही उनके साथ बात करते थे। पिता से दिल से बात न कर पाने के कारण जो ऋषि ने काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर जो घबराहट और व्याकुलता को एक साथ महसूस किया। बाद में वर्तमान समय में ऋषि ने रवि के बारे में चंद्रशेखर से पूछताछ की, जिसके बाद पूर्व ने खुलासा किया कि रवि को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि उसने ऋषि के खिलाफ आरोप लगाने का दोष अपने ऊपर लिया था और दोस्तों जिससे उसके पिता को आत्महत्या करनी पड़ी थी। तबाह और बर्बाद हो गया। यहाँ पे अपनी माँ द्वारा सलाह दिए जाने पर ऋषि एक लंबी अवधि की छुट्टी लेता है और रवि को यूएसए ले जाने के लिए उसके और कन्या के साथ भारत के लिए उड़ान भरता है। वह अपने पैतृक के गांव रामावर में रवि से मिलने आता है। अकेले एक पाइपलाइन परिवहन यानी कि एक पाइपलाइन जो है परिवहन परियोजना के खिलाफ विरोध करता है रवि, लेकिन दोस्तों रामावरम गाँव के विद्वांस की आवश्यकता होती है, जबकि पल्लवी के पिता गाँव के प्रतिनिधि हो गए हैं। गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं लेकिन असहाय हैं। गांव वालों को छोड़ी जाने वाली जो है जमीन के लिए उचित मूल्य के लिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रवि कभी नहीं चाहता है कि परियोजना यहाँ पे खड़ी हो, लेकिन दोस्तों ऋषि को यह महसूस हुआ कि रवि कभी भी गांव छोड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन उनके विरोध के लिए कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा था। तब ऋषि ये महसूस करते हुए कि रवि कभी भी उनके साथ नहीं जाएगा, वह उसे वह दिलाने का फैसला करता है जो वह चाहता है। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने जाता है, जहां पे जो दावा करते हैं कि वह सबसे प्रभावशाली व्यवसायियों में से एक के रूप में असहाय है। विवेक मित्तल परियोजना को संभालते हुए नजर आते हैं। उसके बाद में इधर दोस्तों ऋषि विवेक से मिलने आते हैं और उनसे रामावरम को बाहर करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन उन्होंने ओपकृत करने से इनकार कर दिया। ऋषि अपने कार्यक्रम का प्रबंध करने के लिए रामावरम गांव में एक कार्यालय स्थापित करने की मीडिया को बताता है। स्थापित करने के लिए मीडिया को खबर देता और मीडिया के ध्यान को आकर्षित करते हैं और एक प्रतिष्ठित यानी कि वीडियो गेमिंग कंपनी में एक टीम लीडर पूजा को ऋषि से मिलने और सहयोग के लिए बातचीत करने के लिए भेजा जाता है। एक साथ दोस्तों रामावरम भेजे जाते हैं गाँव में, लेकिन बहाने बनाकर ऋषि उससे पूछताछ और उसका सहयोगी जो है रामावरम में रहते हैं और उसके वीडियो गेम के विचार पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों इससे ये पता चला और उन दोनों में सुलह हो गया। सुलह करने का इरादा दोनों रखते हैं, लेकिन पूजा का ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि उसका दिल पहले से ही टूट गया था और मजबूरी में वही कहती है। जब जो है ऋषि मीडिया को बताता है कि उसने अपने जो है दोस्त के लिए अपना ऑफिस बनाया, तो मीडिया रवि से ऋषि के साथ जाने से इनकार करने के वजह पूछे जाते हैं और रवि ने अपने पैतृक गांव के प्रति अपने जो है लगाव को प्रकट किया और कई अन्य जो है ग्रामीणों को राष्ट्रव्यापी ध्यान आकर्षित करने वाले विरोध में शामिल कर लिया था। इन विरोधों में शामिल किया और पहल करने के लिए प्रेरित किया गया था। पल्लवी के पिता जो अपने पिता की मौत के लिए रवि को दोषी मानते हैं, अब जो है पल्लवी के पास उनके रिश्ते के खिलाफ कोई भी चीज़ नहीं बची हुई है। इस बारे में जानने पर ऋषि ने पल्लवी के पिता से बात की और उन्हें रवि के बलिदान के बारे में अवगत कराया, जिससे पल्लवी के पिता ने रवि के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करने का फैसला किया। इसके जो है एक यानी कि कृत्या के कारण पूजा ऋषि के साथ सुलह करने का फैसला तो कर लेती है, जबकि कई अन्य जो है गांव विरोधी में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों इधर विवेक विरोध के कारण जो है परेशानी को भांपते हुए रामावरम गांव पहुंचता है और वहां पे अहंकार से बाहर होकर प्रदर्शनकारियों के बीच लोगों के एक समूह को आकर्षित करने के लिए एक उच्च मुआवजे का हवाला देने का फैसला करता है। नतीजतन दोस्तों रवि को एक पड़ोसी गांव के मुखिया के गुंडों द्वारा चाकू मार दिया जाता है, जिसे जो है विवेक द्वारा रिश्वत दी जाती है, लेकिन ऋषि उसे जो है हत्या होने से बचा लेता है और उसे जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विवेक एक स्वच्छता कार्य में ऋषि पर उनसे जो है परियोजना में हिस्सा मांगने का फैसला तो करता है और ये दावा करता है कि उनकी अस्वीकृति के परिणाम स्वरूप रवि का उपयोग करना शुरू कर दिया गया। वह ये सवाल करता है कि इतने साल ऋषि कहाँ थे और विरोध करने पर रवि को क्यों याद किया जाता है। पूजा भी ऋषि के इरादों पर शक करती है और उसे रवि की स्थिति के लिए दोषी ठहराती है और बताती है कि वह जो है थोड़ा भी नहीं बदला है, जिससे जो है उसका दिल सबसे ज़्यादा टूटा और उसने जो है गांव छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उनकी मां ने ऋषि को यह बताकर जो है प्रोत्साहित किया कि सत्यनारायण असफल नहीं थे, उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की और इसके लिए उन्होंने चयनित हुए थे। इस चीज़ को लेकर इसके बाद दोस्तों अपनी यूपीएससी परीक्षा जो है उत्तीर्ण की और स्वच्छता कार्य के दौरान उन्होंने कहा था, लेकिन दबे हुए यानी कि कुचले और किसानों के पक्ष में विरोध करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों गिरफ्तार होने के बाद अयोग्य जो है घोषित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी यानी कि पछतावा नहीं किया और इसे जो है असफल माना, क्योंकि ये एक अच्छे कारण के लिए थे। ऋषि ने जो काम शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए वह रामावरम वापस चला जाता है और एक किसान उसे जो है खेती करने के लिए प्रेरित करता है। ऋषि विवेक की तुलना में अधिक जो है कीमत का हवाला देते हुए ऋषि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने वाले किसानों को जमीन भी यानी कि पट्टे पर देता है। बाद में एक प्रेस मीट में ऋषि ने दिल दहला देने वाला भाषण दिया, जिससे सभी का ध्यान उसके तरफ चला जाता है।